नमस्कार दोस्तों। बिन पानी सब सून की कड़ी के अंतर्गत ये चौथी कड़ी है आज। और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर पार्थो ज्योति दास जी, जो कि पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। और हम आज बात करेंगे आसाम की बाढ़ के बारे में। आप दोनों का वनिका पब्लिकेशन के फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। और हमारे सभी श्रोताओं का, मित्रों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आशा है कि पूरे टाइम तक आप लोग बने रहेंगे। जी शुरू करें। बिल्कुल, मैं जरा ये फाइल खोल लूं। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का संक्षिप्त परिचय दे देती हूं अपने दर्शकों को। डॉक्टर पार्थ ज्योति दास जी पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। जल, जलवायु परिवर्तन एवं डिजास्टर उनके रुचि के विषय हैं। आपने नेचुरल साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज के क्षेत्र में 20 से भी अधिक वर्षों तक कार्य किया है, शोध कार्य किया है। आपने खास तौर से आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ व कटाव को लेकर काफी शोध कार्य किए हैं। साथ ही आपने अनेक संभाषण दिए हैं इस विषय पर और कई आलेख भी लिखे हैं। आप बाढ़ की मैनेजमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, एक्शन प्लान वगैरह पर लोकल जनता के अनुभवों के साथ मिलकर विशेष योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। आप फोरम फॉर पॉलिसी डायलॉग ऑन वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया के सदस्य हैं। साथ ही आप सीनियर फेलो हैं एशियन कॉन्फ्लुएंस, अ रीजनल थिंक टैंक फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। आप एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम फॉर द रिजुविनेशन ऑफ रिवर कॉलोम आसाम के भी सदस्य हैं। आपने 25 से अधिक रिसर्च एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट्स और 30 से अधिक पब्लिकेशन हैं आपके, जिनमें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय जर्नल में छपे अनेक रिसर्च पेपर्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, मोनोग्राम्स हैं और बहुत सी आपकी एडिटेड बुक्स हैं और आर्टिकल्स शामिल हैं। प्रेजेंटली आप वाटर क्लाइमेट हजार्ड डिवीजन ऑफ अरण्यक, जो कि एक प्रीमियर एनवायरमेंटल एनजीओ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके आप हेड हैं। तो ये आपका छोटा सा परिचय है। और स्वतंत्र मिश्र जी का भी मैं परिचय दे देती हूँ। आप ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट हैं सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। इस समय आप न्यूज एडिटर हैं News18 hindi.com में। आपके डिजिटल बुक है एक प्रकाशनों में गहरा जल उथला समाज उलट पुलट पर्यावरण, जो कि नॉटनल पे उपलब्ध है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है। शिक्षा भरा पूरा अकाल, इसके अलावा जल जंगल जमीन उलट पुलट पर्यावरण, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं इत्यादि में आपके अनेक लेख और समीक्षाएं रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित होती रहती हैं। आपने पी साईनाथ प्रकाश सिंह और अचिन विनायक एवं अन्य अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। आज के विषय पे एक संक्षिप्त सी भूमिका आपको बता दूं कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हम ब्रह्मपुत्र नदी और आसाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पे हर वर्ष बाढ़ आती है और ये एक ज्वलंत विषय है। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो कि तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट जिमा यांगझांग झील है। आरंभ में यह तिब्बत के पठारी इलाके में यारलुंग सांग कोलांग नाम से लगभग 4000 मीटर की औसत ऊंचाई पर 1700 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है, जिसके बाद ये नामचा बारवा पर्वत के पास दक्षिण पश्चिम की दिशा में मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, जहां इसे सियांग कहते हैं। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यह आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है।
ये पद्मा यानी गंगा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी यदि लंबाई देखें तो यह 2900 किलोमीटर लंबी नदी है और औसत गहराई इसकी 38 मीटर है, जो यानी कि 124 फिट, और अधिकतम गहराई है इसकी 380 फिट। आसाम में बाढ़, जो कि बहुत ज्वलंत विषय है, और इसका समाधान ये चर्चा में क्यों है, पिछले कुछ दिनों में असम में बाढ़ की भीषण स्थिति बनी हुई है। इससे राज्य के 33 जिलों के 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि भी हो रही है। ये एक तरह से बहुत भयावह स्थिति और वार्षिक घटना जैसी हो गई है, क्योंकि इसका कोई अभी तक ऐसा परमानेंट समाधान नहीं है। तो असम में अगर हम बाढ़ के कारणों को देखें तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति एक कारण है कि एक यू आकार की घाटी है और ऊंचाई पर बहती है, इसमें बहुत सारी प्रवाहित होने वाली जो है नदियां मिलती हैं। इसका जो अपवाह तंत्र है वो भी बहुत लंबा चौड़ा है, शीर्ष 5 अवसाद प्रवाहित करने वाली नदियों में से एक है ये। बीच बीच में इसमें अवसादों के जमाव में पानी के प्रवाह में रुकावट आती रहती है। एक भूकंप बहुत बड़ा कारण है वहां पे, जो कि उसकी वजह से डिब्रूगढ़ में इसके जल स्तर में इस बार भी 2 मीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। भूक्षरण बहुत बड़ा कारण है इसका। शहरी नियोजन, जिसमें कि नदियों के किनारे लगातार मानव बस्तियां जो बस्ती जा रही हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। इन बस्तियों से आर्द्र भूमियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। आर्द्र भूमि अतिरिक्त पानी की मात्रा को अवशोषित कर लेती थी, लेकिन अब इसकी कम होती संख्या ने बाढ़ की प्रभाविता को बढ़ा दिया है। फिर बांध एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसपे समाधान के लिए अस्थायी कई बांध बनाए गए हैं, जिनकी कमजोर संरचना के कारण स्थिति और दयनीय हो गई है। अब बाढ़ के बहुत प्रभाव हैं वहां पे, और आगे इसके समाधान के लिए, इसके विभीषिका को रोकने के लिए जो जल संरक्षण प्रबंधन जैसी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए, भौगोलिक स्थितियों का आकलन ठीक से करके बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे इसके कारण हैं, और समाधान के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं ये आज डॉक्टर पार्थ ज्योति जी हमें बताएंगे, और स्वतंत्र जी उनके साथ वार्तालाप करेंगे, इन विषयों पर प्रश्न पूछेंगे और उनके जवाब हमें पार्थ जी से मिलेंगे। तो मैं आगे का सत्र स्वतंत्र मिश्र जी को सौंपती हूँ, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है, जैसा बातचीत अभी बता रही थी नीरज जी, फिर अरुणाचल से भारत में आ जाती है और असम के मैदानी इलाकों से बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इसमें इसके कई नाम हैं, तिब्बत में अलग नाम है, अरुणाचल में अलग नाम है, फिर असम में आके उसका अलग नाम है। इसकी जो यात्रा है तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक, नाम अलग अलग, मुझे लगता है शायद दुनिया में कोई नदी नहीं होगी जिसके इतने नाम हैं। इसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि कैसे क्या इसके नाम बदलते जाते हैं, और इसकी यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है और कई देश इसमें शामिल हैं। अच्छा, पहले तो मैं डॉक्टर नीरज जी और स्वतंत्र मिश्र जी, आप दोनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप दोनों ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पसंद की जो दो सब्जेक्ट है, एक है ब्रह्मपुत्र और एक है असम की बाढ़ परिस्थिति, ये दोनों के बारे में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। इसका जो थोड़ा एक्सपीरियंस मेरा है उसको दर्शकों के साथ और आप लोगों के साथ भागीदारी करने के लिए, शेयर करने के लिए मुझे एक मौका दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहले मैं बताता हूँ कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के, आपने एक सही सवाल से शुरू किया है ये पूरा वार्तालाप। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो नद है एक्चुअली, ये मेल रिवर आपको मालूम है, तो ये हम लेकिन नदी ही कहते हैं इसको। ये नद या नदी एक
महान नदी है। हालांकि हिंदुस्तान की और इंडिया की दूसरे प्रांत के लोगों को ब्रह्मपुत्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज की वार्तालाप से कुछ ना कुछ नया तथ्य उनको मिलेगा। और दूसरी चीज है कि असम के जो बाढ़ है ये एक हर साल घटने वाला एक दुर्योग है, और ये भी एक जो कहते हैं कि एक सालाना एक घटना है हमारे यहाँ, ये लगातार 1951 से 70 साल से ज्यादा हुआ चल रहा है। कभी बहुत बड़ा होता है, कभी छोटे पैमाने पे होता है, लेकिन हर एक साल होता है। तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं है कि कैसे बाढ़ होता है, क्या गति है, प्रकृति है, कितने लोग इससे सफर करते हैं, मरते हैं, ये सब। तो इस बार जो बाढ़ हुआ है असम में या बिहार में भी, उसके बारे में मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा नेशनल लेवल पे और नेशनल मीडिया में पहले से ज्यादा चर्चा हुआ है। तो इसी सिलसिले में भी ये वार्तालाप मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि लोग इंडिया के दूसरे प्रांत के लोग भी थोड़ा दिलचस्पी लगने लेने लगा है कि क्या है असम में, ऐसा क्या होता है कि हर साल इतने लोग मरते हैं, क्या होता है, इसके बारे में कुछ कर सकते हैं कि नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है, ये सब। सो बहुत धन्यवाद। अब आपका पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई नदी है, एक्चुअली है ही नहीं, जिसको इतने भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। तो नीरज जी ने एक दो नाम बता दिया है, मैं शुरू करता हूँ अभी, इतने सारे नाम है आप देखेंगे। तो ये नदी जो तिब्बत से बहती है, एंगसी ग्लेशियर करके एक है वेस्टर्न तिब्बत में, नॉर्थ वेस्टर्न तिब्बत में एक ग्लेशियर है, वहां से बहती है। वो जहां से आते हैं वो 5,300 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत से बहती है उसको द टॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सबसे उसी जगह से बहने वाली नदी। तो जब शुरू होता है वहां से, तो तिब्बत में इस नदी को जाना जाता है यारलुंग जांगपो या यारलुंग शांगपो या यालुजांगपो जियांग या सिंपली शांगपो। ये तीन चार नाम तिब्बतन बुद्धिस्ट लोग रखा है, ये सब बहुत ही ट्रेडिशनल नाम है, बहुत हजारों सालों से चलता आ रहा है। तो शांगपो जो नाम है उसका माने है कि जो भी नदी वहां एक वेस्टर्न तिब्बत में शांग प्रोविंस करके प्रोविंस है वहां से गुजरता है वही है शांगपो। और भी एक इसका अर्थ है द वाटर फॉलिंग फ्रॉम द क्रेस्ट, बहुत ऊंचाई से जो गिरती है नदी उसको वो लोग ग्यालडुक जांगपो कहते हैं। तो ये हो गया तिब्बत में। जब तिब्बत से आके अभी जो डॉक्टर निर्जा जी ने बोला है कि नामचा बावरा के चारों ओर घूम के फिर बहुत ज्यादा एक तीव्र ढलान में वो गिरते हुए हिमालयन एरिया से अरुणाचल में प्रवेश करते हैं, तो अरुणाचल के अपर जो अपर सुबनसिरी या वो जो अपर हिस्सा है उसमें इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब नीचे आते हैं तो हो जाता है शियांग शियांग। और उसके बाद शियांग आके धेमाजी जिला असम में, धेमाजी जिला के बॉर्डर पार करके असम पहुंचता है, तो एक वहां एक जोनाई बोल के एक छोटा सा सब डिविजन है, उस छोटा सा इलाके में उसका एक दूसरा नाम है, वो लोग कहते हैं इसको लाली, वो लोकल नेम है। हाँ, उसके बाद बहुत लोग शियांग भी कहते हैं लेकिन उसको लाली भी कहते हैं। तो या शियांग या लाली उसके बाद दक्षिण की तरफ बहती है और फिर चाइना बॉर्डर से अरुणाचल होके दो इंडिपेंडेंट रिवर्स, एक का नाम है दिबांग और एक का नाम है लोहित, ये दोनों रिवर अलग से नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट से बह के आसाम के धेमाजी जिले में कोबोचापुरी बोल के एक बड़ा आइलैंड जैसे उसके नीचे आके ये शियांग
दिबांग और लोहित एक साथ जुड़ जाता है. सो दिस बिकम्स अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री डिफरेंट बिग रिवर्स. यहां से इस नदी को औपचारिक रूप से ब्रह्मपुत्र माना जाता है. तो ये ब्रह्मपुत्र अभी लगभग 600 किलोमीटर से भी ज्यादा पूरब से पश्चिम तक एकदम बीचों बीच असम के बीचों बीच बहता है. और असम में उसका बहुत किस्म का नाम है. सबसे जो पॉपुलर नाम है असम में फोकलोर में पाया जाता है वो है कि लुइट. संस्कृत में एक ब्रह्मपुत्र का नाम है लोहित. लोहित से हुआ है लोहित और लोहित से हो गया है लुइट फॉर द कॉमन मैन. तो लोग कहते हैं स्पेशली लिटरेचर एंड फोकलोर लोग इसको लोहित लुइट के नाम से जाने. कोई कोई लोग बोलते हैं कि सिरी लुइट वो थोड़ा बहुत एक ही ब्रांच में नहीं बहती है कई भाग से बहती है सिरी लुइट. उसके बाद ये है मेन असामीज लैंग्वेज में इसका नाम. कोई कोई बोलता है कि बोर नदी. बोर मीन्स बड़ा नदी और बोर नदी. कोई कोई बोलता है कि बोर नोई. इन असामीज नोई ऑल्सो मीन्स नदी. तो असम के एक प्रोमिनेंट कम्युनिटी है द बोरो कम्युनिटी. बोरो कम्युनिटी की लैंग्वेज में काफी सारा नदी के नाम है. वो लोग इस सेम एक इस नदी को बोलता है बुरलुंग बुथुर. वो लोग ये नाम से पुकारते हैं. उसका और भी एक नाम है दोईमा. दोईमा का मतलब है कि मदर ऑफ वाटर. और एक असम का बहुत ही पुराना जनगोष्ठी है दिमासा. उनके भाषा में इस नदी का नाम है दिलाओ. दिलाओ मीन्स ए वेरी लॉन्ग रिवर. ठीक है. तो ये हो गया असम में. जब असम से जाके बांग्लादेश में वो प्रवेश करती है नाम हो जाता है जमुना. उसके बाद ये जमुना जाके गंगा से मिलती है नाम हो जाता है पद्मा. उसके बाद पद्मा जाके मेघना से मिलती है और मेघना ओरिजिनली मणिपुर से बराक वैली होके बांग्लादेश होके वहां जाते हैं. और फिर सबसे इसमें जो बहुत बड़ी नदी होके बांग्लादेश में प्रवाहित होके बंगोपसागर से मिलता है उसका नाम है मेघना. तो करीब करीब आपको मैंने 10 से ज्यादा नाम बता दिया. तो ये जो नाम का जो विचित्रता है ये भी दर्शाता है कि कितने सारे लोग इंडिजिनियस ग्रुप्स पीपल और कितने सारे संस्कृति कल्चर्स इस नदी से जुड़ा हुआ. हर एक भाषा में अलग अलग नाम. हर एक भाषा में अलग अलग इसका अर्थ. तो यही है उसका नाम का महिमा. या जी जी. अच्छा ये सबसे ऊपर से सबसे ऊंचाई से गिरने वाली नदी है और बहुत बड़ी नदी है. 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर लंबी है. असम में यह कितने किलोमीटर बहती है मतलब कितना इसका लंबाई है. और असम में कई जगहों पर इसकी जो चौड़ाई है इसका जो बेड है वो 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर तक है. तो असम में या और भी जगह पर आप जानकारी दें कि यह 10-10 किलोमीटर तक कहाँ कहाँ फैला हुआ है मतलब और कहाँ ये बहुत ज्यादा पतली हो गई है छोटी हो गई है इसकी धारा. तो इंडिया में इस नदी का जितना लंबाई है वो है लगभग 918 किलोमीटर. इसमें से 640 किलोमीटर वो असम के हिस्सा में है. अरुणाचल प्रदेश में 278 किलोमीटर है. यह है लंबाई का बात. लेकिन आपका दूसरा जो सवाल है ना बहुत ही महत्वपूर्ण. ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन आई विल लाइक टू से. क्योंकि इसके साथ ये जो नदी का जो जियोफिजिकल या हम कहेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंज हुआ है विगत 70 साल में जो भी चेंज हुआ है इस नदी का इस चेंज के साथ क्यों बाढ़ ज्यादा हो रहा है क्यों कटान ज्यादा हो रहा है ये जुड़ा हुआ है. इसलिए मैं बताऊंगा कि क्या हुआ है एक्चुअली. आपको अब सब लोग को पता है कि 1950 साल में वो बहुत बड़ा भूकंप हुआ था ग्रेट असम आर्ट में
जिसका आपका जिसका ये था मैग्नीट्यूड था 8.7 इन द रिक्टर स्केल। तो ये आज तक दुनिया में जितना भी बड़े भूकंप हुआ है उनमें से सबसे बड़े भूकंप से माना जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, असम के हर नदियों में और विशेषतः ब्रह्मपुत्र में बहुत परिवर्तन आया। सबसे ज्यादा परिवर्तन इस चीज में आया कि ऐसे भी हमारे जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालय से उत्पन्न नदी है, वो तो बहुत ज्यादा मिट्टी बहा के ले आती है जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं। क्यों भी अब जिसकी भी बात बोलिए, अब गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोशी, सिंध, जो भी है, बहुत ज्यादा वो सेडिमेंट कैरी करते हैं। अब 1950 साल के भूकंप के बाद इतना उथल पथल मच गया पूरे हिमालयन वो ईस्टर्न हिमालयन एरिया में, ये तब से लेके आज तक वो जो इतनी सारा इतना ज्यादा मिट्टी वहां से गिर गई, वो लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ज्यादा, और उस भूकंप के बाद भी बहुत सारा भूकंप आया है। और ये आपको पता भी है कि सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, सिस्मिक जोन 5, इसका अर्थ है कि हर एक वक्त कुछ ना कुछ सिस्मिक वाइब्रेशन यहाँ लगा रहता है। तो इसलिए और ऐसे भी हिमालयन जो पहाड़ी है वो भी बहुत कोमल मिट्टी से बना हुआ है, बहुत यंग माउंटेन है। ये सब कुछ का ये नतीजा है कि सॉइल इरोशन बहुत एक्सीलरेटेड हो गया, बहुत ज्यादा होने लगा आफ्टर द 1950 अर्थक्वेक। इसीलिए 1950 अर्थक्वेक का एक प्रत्यक्ष प्रभाव ये रहा नदी पे कि उसमें सेडिमेंट का अमाउंट वॉल्यूम बहुत बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसके लिए सेडिमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि नदी उसको कैरी नहीं कर पाते, बहा के ले नहीं जा पाते, स्पेशली इन द लीन सीजन जब बहाव कम होता है, तब उसका जो डिपोजिशन बहुत जगह हमें चैनल में होने लगा। इसके बाद वो जो चैनल में सेडिमेंट का जो डिपोजिशन पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करके इसका जो तट है, बैंक है, वो बैंक में कटान ज्यादा होने लगा, और इसीलिए ब्रह्मपुत्र का चौड़ाई बहुत जगह में बहुत बढ़ने लगा। अभी मैं आपको एक परिसंख्या देता हूं, तो पहले 1912 और 28 सालों के बीच ब्रिटिश लोगों ने एक सर्वे किया था, उसमें उन लोगों ने पाया कि असम के जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मैं उसका ट्रिब्यूटरीज के बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन नदी है, नदी में नदी का इलाका क्या है, नदी में जितना इलाका समाया हुआ है उसका इलाका या एरिया उन लोगों ने पाया कि 3870 स्क्वायर किलोमीटर। ये 1920s की बात है, ब्रिटिश लोगों ने किया। उसके बाद जो इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया ने किया 1960s में, 63 और 75 के बीच, उन्होंने पाया कि ये बढ़ के हो गया 4850 स्क्वायर किलोमीटर। और हाल ही में 2006 में जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग में है, उन लोगों ने किया, उन्होंने पाया कि अभी जितना इलाका है ब्रह्मपुत्र का वो बाढ़ के हो गया 6080 स्क्वायर किलोमीटर। दैट मीन्स पहली सर्वे से 1920 में जो हुआ लेके आज तक इसका जो इलाका ब्रह्मपुत्र में समाया हुआ जो इलाका वो डबल हो गया है। तो इसका इसका माने ये है कि ये और ज्यादा तत को यो बहुत ज्यादा कट के वो अपने आप को चौड़ा बना दिया नदी ने। तो ये डायनामिक्स को समझना है। अभी आपने जो कहा है कि कहीं कहीं वो 10 किलोमीटर से ज्यादा है, ये आपका आंकड़ा थोड़ा आउटडेटेड है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है अभी। अभी इतना चौड़ा हो गया है, हमने जो बोला था कि शियांग दिबांग लोहिता के जहां इनकी मिलन होती है उससे जहां से ब्रह्मपुत्र शुरू होते हैं तीन इंडिपेंडेंट रिवर से, उससे ठीक पश्चिम दिशा में इतना चढ़ा हो गया है कि वो हो गया है अभी 23.5 किलोमीटर। आप रे आज उसके बाद आप जो पश्चिम की तरफ आएंगे डिब्रूगढ़ में, वो फेमस टाउन है, आपने देखा ही डिब्रूगढ़ में उसका उसका चौड़ा हो गया है
बिल्कुल आपका 16 किलोमीटर जैसा। उसके बाद और पश्चिम की तरफ आइए, मोरीगांव जो सेंट्रल असम में है उसमें हो गया है बिल्कुल ऐसा 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर जैसा। उसके बाद आप गुवाहाटी की तरफ जाइए, गुवाहाटी से स्लाइटली पश्चिम की तरफ पलासबारी बोल के एक जगह है जहां बहुत 1970s-80s में बहुत बड़ा इरोशन हुआ था, उसमें इसका चौड़ाई हो गया है बिल्कुल 20 किलोमीटर जैसा। उसके बाद और आप पश्चिम की तरह जाइए बांग्लादेश बॉर्डर में जोगीघोपा और धुबरी में, उसको फिर और चौड़ा होके उसको तो 12-13 किलोमीटर हो गया है। तो और बीच बीच में जहां जहां पहाड़ी है उसमें थोड़ा चौड़ाई कम है, गुवाहाटी में चौड़ाई कम है 2 किलोमीटर का है, सिलघाट में कम है, जोगीघोपा में कम है, जहां जहां नहीं है ये नदी फैलता जा रहा है। सो इस नदी का अभी जो प्रबणता है वो है कि अपने आप को और चौड़ा बना रहा है। यही सबसे बड़ा सिर दर्द का कारण है हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियरों के पास कि कैसे इसको ये प्रबणता को बंद किया जाए कि ये नदी और चौड़ा ना हो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो चौड़ाई में 70-80 किलोमीटर है और लंबाई में 700 किलोमीटर, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसमें आधा से ज्यादा केवल ब्रह्मपुत्र ने समेट के रखा है, और ये अगर बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया तो ब्रह्मपुत्र वैली में हमको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए ये चौड़ाई का बात और इसके साथ जो इरोशन का प्रॉब्लम, ये दोनों का एकदम प्रत्यक्ष संपर्क है। इसी इरोजन पे दूसरा सवाल माजुली का आता है। माजुली जब भी कोई इस तरफ का आदमी, मतलब उत्तर भारत का आदमी, जब आसाम के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानकारी रखता है तो उसको माजुली के बारे में पता चलता है कि एक माजुली द्वीप है जो नदी में है, भारत में तो नहीं है, एक मिसिसिपी में है। इतना बड़ा द्वीप, इससे बड़ा द्वीप है मिसिसिपी में, पर इतना बड़ा द्वीप जो है वो करीब 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में था, वो घटके इरोजन होके वो 400 कुछ किलोमीटर 20-22 किलोमीटर में रह गए। तो ये जो इरोजन हो रहा है इसमें कितना प्रकृति और कितना मनुष्य का योगदान है? देखिए माजुली तो बहुत ही फेमस है, सबको मालूम है, और ये भी सच है कि माजुली का जो इलाका है वो नदी कटान के कारण वो घटता जा रहा है। तो आपने जो आंकड़ा बताया वो है 1901 साल का, वहां का जब ब्रिटिश लोगों का ऑफिशियल डेटा, वो लोग बोलता है कि 1250 स्क्वायर किलोमीटर तब था। ठीक है, तब से घटने लगा है, बहुत ज्यादा घटने लगा है। और मैं जस्ट आंकड़ा बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बहुत तरफ से इसका खोज किया है, अनुसंधान किया है, तो इसका डिफरेंट आंकड़ा है, एस्टिमेट है। तो मेरा जो संस्था है आरंजक, उससे हाल ही में हमने एक एस्टिमेट उसका किया था, उसमें हमको मिला है कि अगर बीच का हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वो लोग वो सब आंकड़ा खोज के रखा है, तो ये पूरा रिकॉर्डेड है। तो हमने देखा कि 1980 से हमने शुरू किया, 1987 में हमको मिला कि इसका माजुली का एरिया 497 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर। फिर 99 में ये हो गया 468, तो लगभग 22 किलोमीटर गया उसका बिटवीन 87 और 99, 10-12 साल में। उसके बाद 2009 तक देखा गया कि वो थोड़ा और घट गया है, 477 स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है 2009 का, उसमें हमने देखा कि 468 स्क्वायर किलोमीटर है। तो अब अगर हम मुझसे पूछेंगे कि आप माजुली का एरिया क्या है, तो हमारा हिसाब से हम बताएंगे तो ये लगभग 470 स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि 1275 से 470 ही सोचिए कि 800 किलोमीटर उसका गया।
ठीक है, वो 30% बच गया, 120, हाँ 120 साल में उतना उसका गया। हमारा जो एस्टिमेट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव है क्योंकि हमने बहुत एक्यूरेटली किया है और कुछ लोगों ने किया है उससे थोड़ा ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। ठीक है, अभी ये है हम लोगों का, और आपको मालूम है कि सरकारी संस्था है ब्रह्मपुत्र बोर्ड है जिसके जिम्मेदारी है माजुली का देख रेख, उसका खोज अनुसंधान और माजुली को इरोशन और कटान के दुर्योग से बचाने का मूल जिम्मा तो ये ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ये जो केंद्रीय सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का एक अपना ही संस्था है। उन लोगों ने अभी हाल ही में दावा किया है कि उन लोगों ने जो व्यवस्था किया है कटान को कम करने के लिए, हालांकि ये सब आपको मालूम ही होगा आरसीसी पोर्कुपाइन स्पार जो भी स्ट्रक्चर मेजर्स इन लोगों ने डाला है, उसके बदौलत उन लोगों ने बोला है कि 2004 से 2016 के बीच 16 साल के बीच 22 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने माजुली का मिट्टी गेन किया है, समझ गए ना, वो गेन किया है, वो ज्यादा बढ़ा है। अभी इस चीज को ऐसे समझना है कि ये जो माजुली है वो एक रिवर आइलैंड है, ये पूरा का पूरा एक मिट्टी और बालू से बनी हुई एक लैंडमास है, ये एक नदी का उपज है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिवर्स। इसके उत्तर में सुवनसिरी और इसके ट्रिब्यूटरीज है रागा नदी डिक्रम, करकतिया सुती है, लोहित है, और उसके दक्षिण में पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो इन नदियों सब मिलके इसको तैयार किया है, इस माजुली आइलैंड को तैयार किया है, तो इसलिए नदियां ही ये नदियों से ही ये तय होता है कि इसका क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, पास्ट क्या था और भविष्य क्या है। तो इसके बहुत टू ए ग्रेट एक्सटेंट क्या होता है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इतने इतने सारे नदियों से घेरा हुआ एक आइलैंड है, एक टापू है, ये नदियों के गति प्रकृति इतना परिवर्तनशील है और उसके अनुरूप उसमें कटान होता है और थोड़ा जमीन का वो जमीन जम भी जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डिपोजिशन, इरोशन एंड डिपोजिशन, हाँ डेन्यूडेशन एंड एग्रेडेशन, ये एक एक जो ब्रेडेड रिवर है उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन समस्या यहाँ खड़ा होता है जो इरोशन में इतना मिट्टी चला जाता है, डिपोजिशन उसके अनुरूप बहुत कम होता है, और जितना डिपोजिशन होता है वो एक ही जगह नहीं होता है, इधर थोड़ा हो गया एक छोटा सा टापू बन गया, उधर एक हो गया, तो बहुत सारा 100-200 आपको माजुली के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा, और बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि हर एक साल ये पूरा सिनेरियो चेंज होता रहता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि जितना भी नदी ने काट के ले गया, बहुत लोग कहते हैं जितना भी नदी ने काट के ले गया वो उसने कहीं ना कहीं जमा कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वही नहीं, वो दूसरी जगह छोटा 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 करके जमा कर दिया, और अगर जमा कर देने के बाद जो एक सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो एक दूसरा टापू होता है, सैंडबार होता है, वो भी स्टेबल नहीं है, 2-3 साल में वो भी खो जाता है नदी में। अगर कोई बड़ा सा बन के रह भी गया तो भी इसको 5-6-10 साल लग जाता है इस्तेमाल करने के योग्य बनने तक, क्योंकि जब जब नदी से काट के ले गया तो था आपका उपजाऊ जमीन, उसमें खेती होता था, लोग बसते थे, अब जहां जाके वो नदी ने डिपोजिट करके नया टापू बनाया, नया सैंडबर बनाया, वो खेती के योग्य होने तक 10 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अब जो अगर कॉस्ट बेनिफिट करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये इसीलिए बहुत ज्यादा एक समस्या है ये इरोशन या नदी का कटान, क्योंकि जितना काटते हैं उसके कंपेयर टू दैट बहुत छोटा सा जमीन ही उसमें डिपॉजिट होता है। तो आपका ये जो ये मेन चीज है, और एक अहम पहलू है कि लोग पूछते हैं कि क्यों इतना ज्यादा कटान हो रहा है,
इसके बारे में काफी सारे रिसर्च हुआ है, काफी सारे हाइपोथेसिस थ्योरीज है, बहुत कंक्लूसिव तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों का कहना है कि काफी कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है कि जिस मिट्टी से ये माजुली बना हुआ है और ये नदी का तट बना हुआ है, वो तो बहुत ही सॉफ्ट, वो बालू और बहुत ही कोमल मिट्टी का बना हुआ है, पहली बात है। वो इजीली नदी नदी काट के ले जा सकता है। और दूसरी, वो जो स्लोप है उत्तर तट का, जो हम बैंक कहते हैं रिवर बैंक, उसका जो स्लोप है वो इतना खड़ा है, इतना स्टीफ है, वो ढलान जैसा नहीं है, वो उतना स्टीफ है कि इसलिए वो कटान बहुत इजी हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र का कटान का जो हाइड्रोडायनामिक्स है वो ये है कि वो कोई नीचे से कटता है, जो हम स्काउरिंग बोलते हैं, ऊपर से नहीं कटता है, वो नीचे से कटता है। सबसे पहले सबसे ऊपर सिल्ट रहता है, जो फाइन सॉइल, उसके नीचे सैंड रहता है, थोड़ा क्वार्ट्ज, थोड़ा ज्यादा, उसके नीचे थोड़ा और लार्ज बैंक मटेरियल, सॉइल मटेरियल्स रहता है। जब नदी काटती है तो सिल्ट और सॉइल का जो स्ट्रेटम जहां ज्वाइन होते हैं वहां से कटती है, तो ये थोड़ा मैटर कॉम्प्लेक्स है। और एक कारण है, उसका जो शेप बन गया है नदी का, आपका माजुली का, वो एक आप देखेंगे तो बोट जैसा, नाव जैसा लगता है, दोनों छोर में एकदम तीखा और बीच में एकदम चढ़ाव। तो ये जो है, ये भी नदी का जो हम बोलते हैं कि हेड इरोशन, नदी का हेड इरोशन के कारण ही ये हुआ है। और ये शेप भी एक कारण है कि वो जहां से माजुली शुरू होता है और जहां माजुली खत्म होता है लॉन्जिट्यूडिनली, ईस्ट से वेस्ट लेके, वो सब जगह में बहुत 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 ज्यादा कटान हो रहा है। तो इसके इसके अलावा भी और कुछ थ्योरीज है जो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स भी है, हम अब समझा भी नहीं पाएंगे। तो ये सब मिलजुल के ये एक बहुत दूर तक तो मैं कहूंगा कि नेचुरल प्रोसेस ही है, लेकिन लेकिन कुछ ऐसा भी है कि ब्रह्मपुत्र के अपस्ट्रीम में अगर ऐसा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे कि आपने बहुत बड़ा नदी बांध बना दिया और जैसा कि जलवायु परिवर्तन के कारण उसका प्रवाह का या फ्लो का जो नेचर है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, ठीक है, तो भी ये वो उसका इन्फ्लुएंस के कारण ये कटान या इरोजन का भी परिवर्तन हो सकता है। और दो चीजें वो मैन मेड है, ऊपरी भाग में अपस्ट्रीम में, अब यहाँ दो ब्रिज है, आपने जिसके बारे में भी एक टाइम पे कहा था। तो क्या होता है जब इतनी बड़ी फ्लूवियल नदी में आप बड़ा सा ब्रिज बनाता है, तो ब्रिज बनाने का तरीका यह है कि जहां जहां आप ब्रिज बनाते हैं वहां आप इसको थोड़ा श्रिंक करके, नदी का चौड़ाई को कम करके, बहुत कुछ मैनिपुलेट करके बनाते हैं। इसीलिए लॉन्जिट्यूडनली स्पीकिंग इसके डाउन स्ट्रीम में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो डिब्रूगढ़ में जो बोगीबिल ब्रिज हुआ, इसके लिए माजुली, इसके लिए भी माजुली में ज्यादा कटान हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है कि माजुली के उत्तर या दक्षिण में जोरहाट नगरी है, बहुत बड़ा नगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निमाती घाट वो जो पोर्ट है जहाँ से आप माजुली जा सकते हैं, जहाँ से वो सब जगह में बहुत ज्यादा कटान हो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो स्ट्रक्चर्स वहाँ बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं या स्पार बना रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट माजुली में पड़ा है, उसके लिए भी थोड़ा ज्यादा कटान हो सकता है। तो ये पूरे लार्ज एक्सटेंट नेचुरल ही है, लेकिन थोड़ा ह्यूमन इम्पैक्ट भी यहाँ है। और आगे जाके, भविष्य में जाके, अगर अपस्ट्रीम में चाइना में या अरुणाचल में बहुत बड़ा नदी बांध लगेगा या बहुत बड़ा ब्रिज बना देंगे, बहुत उसका भी असर पड़ेगा। हाँ सर, अब जब आपने बांध की बात की तो इस नदी पर तिस्ता बराज परियोजना और कोयली हाइडल प्रोजेक्ट है, और इन दोनों परियोजना से सोसाइटी को कितना, समाज को कितना लाभ मिला है और उसका नुकसान कितना मिला है, नदी को कितना नुकसान मिला है, समाज को कितना नुकसान हुआ है, उसका फायदा क्या हुआ है? अच्छा, मैं तो पहले बताऊंगा कि मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र का जो मेन स्ट्रीम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र सिस्टम हम जो जिसको कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
उसमें है कि मेन ब्रह्मपुत्र नदी और इसका जितने सारा उपनदी ट्रिब्यूटरीज दूसरी जगह से आके इसमें मिलता है। हम ट्रिब्यूटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, मेन जो ब्रह्मपुत्र है उसमें कोई परियोजना इंडिया में नहीं है, ठीक है, चाइना में है, तिब्बत में उन लोगों ने अब 6 नदी बांध लगा रखा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा बांध नहीं है, मीडियम साइज का जो हम कहते हैं रिवर डैम्स और मेनली फॉर हाइड्रो पावर प्रोडक्शन, वो चाइना में है। अभी प्रपोज्ड है, प्रस्तावित है लोअर सियांग प्रोजेक्ट, अपर सियांग प्रोजेक्ट, वो सरकार केंद्रीय सरकार बनाना चाहता था लेकिन बहुत सारे कारण है वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लोगों का रेजिस्टेंस है, लोग नहीं चाहते हैं और टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, ठीक है, तो मेन स्ट्रीम में तो कोई नहीं है। आपने जो जिसका रेफरेंस दिया है वो है, हाँ अब मैं कहता हूँ, पहले अगर हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र बेसिन में नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या है, इसका लखीमपुर जिले में रंगा नदी बोल के एक नदी है ट्रिब्यूटरी, उसमें एक परियोजना है तो रंगा नदी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये याजोली अरुणाचल में है। और कपिली के बात आपने कहा है, कपिली में कपिली हाइड्रो, हाँ कपिली कपिली अपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो असम में है, और एक दोयांग बोल के एक है, एक उपनदी है जो भी ब्रह्मपुत्र में आके गिरता है, तो दोयांग में नागालैंड में एक है दोयांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपको बताया तो मेनली ये तीन ही है, अरुणाचल में एक, नागालैंड में एक, असम में। अभी वहां जाके तीस्ता भी ब्रह्मपुत्र के उपनदी है, तो तीस्ता बेसिन भी ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर ही है, लेकिन अब तीस्ता में जाके देखेंगे बहुत ज्यादा है। तीस्ता में अभी 5 परियोजना चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, मेनली 5 प्रोडक्शन चल रहा है, उसमें 912 मेगावाट जैसा अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है, उसमें से एक वेस्ट सिक्किम में है, एक ईस्ट सिक्किम में है, बाकी 3 वेस्ट बंगाल में है, तीस्ता के ऊपर ही है, एक रंगीत और एक रमन भी है। अभी ये हो गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और दूसरा जो आपने कहा वो हो गया बैरेज, बैरेज जो बैरेज का ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा है वो है मेनली इरिगेशन के लिए, और बाकी जितना परियोजना है ये है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अभी मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, मुझे लगता है दर्शकों को भी मालूम है, आप सबको मालूम है कि पूरे दुनिया में और खेस करके पूरे हिंदुस्तान में अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत चर्चा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में तो पब्लिक मूवमेंट लगा है, अभी एक सुवर्णसरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा हुआ है कितने दिनों से। सो क्योंकि एक्सपर्ट या कम्युनिटी या आम लोगों को या एक्टिविस्ट लोग सबको मालूम है और सब ने इसके ऊपर अपनी अपनी राय रखा है कि आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लाभ इन परियोजनाओं से, हाइड्रो पावर या पन बिजली परियोजनाओं से कुछ ना कुछ तो आपको मिलता ही है क्योंकि थोड़ा बिजली मिलता है आपको, लेकिन आपका इसका टोटल कॉस्ट अगर आप एस्टिमेट करेंगे, इसका सोशल कॉस्ट कितना, इकोलॉजिकल कॉस्ट कितना, नदी में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, नदी का नदी के ऊपर कैसा असर पड़, सब कुछ लेके आप करेंगे, आप ये पाएंगे कि इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है बेनिफिट के तुलना में। तो इसीलिए बहुत कम लोग ये बड़े नदी बांधों को पसंद करते हैं, और जितना भी बड़ा एक्सपर्ट इंजीनियर टेक्नोलॉजिस्ट जो भी साइंटिस्ट है, ज्यादा से ज्यादा सबका एक कंसेंसस है कि ये अच्छी तरीका नहीं है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या रिवर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके तिस्ता में हो या ब्रह्मपुत्र में हो या नॉर्थ ईस्ट के सारे इन सारे राज्यों में हो, हम लोगों ने देखा है कि कितना बड़ा दुष्प्रभाव नदी बांधों का है। हमारा यहाँ रंगा नदी विंटर में कंप्लीट सूख जाता है, तिस्ता में बहुत बड़ा एक निचले का हिस्सा सूख गया है, और क्या होता है फ्लैश फ्लड ज्यादा होता है क्योंकि ये बांधों से कभी भी विशेषतः मानसून सीजन में कभी भी आपको बिना बताए ये लोग पानी या जल छोड़ देता है, जिसके लिए बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड हुआ है। केवल रंगा नदी डैम में ही
डैम के में ही ऐसा घटना 2008 से लेके 2017 तक काफी 40 अभी 20-30 लोग मरा है। तीस्ता में भी ऐसा घटना है, आपका दोयांग में भी है, कोपेली में भी है। तो जो दुष्प्रभाव है सारे सारे जगहों में देखा गया है, इसलिए बहुत बड़ा समालोचना है ये सब नदी बांधों के विरुद्ध। अब मैं आता हूँ तीस्ता बैरेज के। तीस्ता बैरेज का जो है, तीस्ता बैरेज में हमने भी थोड़ा काम किया था 2012-13-14 में। तीस्ता बैरेज का मेन जो मुद्दा है वो इरिगेशन के लिए बनाया हुआ है, इसीलिए वेस्ट बंगाल के 6-7 जिले में इरिगेशन वहां से मिलता है। तो इन लोगों को विशेषतः जो कृषि कार्य से जड़ित है, जो हमारा कृषक है, जो हमारा वो लोग को बेनिफिट हो रहा है। ये इसमें कोई ये नहीं, दो रही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि तीस्ता बैरेज से जितना पानी छोड़ा जाता है वो डाउनस्ट्रीम में जाके बांग्लादेश तक जाती है। इसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच तनाव है और कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये वाटर शेयरिंग को लेके बहुत दिनों से तनाव है। अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं भविष्य में ये दोनों देश मिलके ये शांति से ये मामला सुलझा लेगा। लेकिन हमने देखा है बांग्लादेश के उस प्रांत में तीस्ता बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कुछ जो फार्मर्स हैं उनको तो थोड़ा आपको ये दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, क्योंकि वो देना ही है, ठीक है। लेकिन ये भी है, बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है, कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन ये भी है कि बांग्लादेश में भी लोगों को सफरिंग, पीपल आर सफरिंग बिकॉज नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं है। तो दोनों तरफ हमको देखना पड़ेगा। तो ये मामला बड़ा इसलिए है तीस्ता बैरेज का, क्योंकि इसको लेके जो जल भागीदारी है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसको लेके एक बड़ा ही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अभी उसके बाद भी मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने वहां काम किया है, कि बैरेज का भी डाउनस्ट्रीम में दुष्प्रभाव है। तो स्थानीय लोगों ने हमको बोला है, जब से यह तीस्ता बैरेज हुआ है, अभी 76 में शुरू होके 80 में खत्म हुआ है, तब से इसके निचली कुछ जगहों में, तीस्ता के कुछ जगहों में बाढ़ ज्यादा हो गए, कुछ जगहों में कटन ज्यादा हो गए हैं, कुछ जगहों में नदी सूख गई है। ऐसा हमने जो स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों से बात करके ये सब हमें पता चला है। तो लगभग बैरेज हो या आपका पन बिजली परियोजना हो, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आपको यहाँ जो होने जा रहा है, क्योंकि सिक्किम में अभी 5 है और 39 या 40 होने वाला है, तो एक बहुत बड़ा, एक छोटा सा सिक्किम और वेस्ट बंगाल को लेके छोटा सा एरिया में इतना ज्यादा अगर हो गया तो नदी भी खत्म हो जाएगी और नदी से जुड़ा हुआ जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी, और बहुत ज्यादा बहुत सारा रेंज ऑफ इम्पैक्ट उसमें पड़ने वाला है, इसलिए ये ठीक नहीं होगा। सर आपने बोला कि नदी पर प्रभाव पड़ेगा, नदी का जलस्तर कम हो सकता है, तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि तिब्बत में एक जगह है लात्से दोजांग, दजोंग, वहां पर जो बोट चलता है वो करीब, बोट चलने के लिए जलमार्ग जो है वो 644 किलोमीटर है। तो भारत में, असम में ये स्थिति कहाँ है, और जो व्यापार की स्थिति थी पहले, अभी कैसी है? आपने सही पूछा है। ये पहला वाला जो हिस्सा आपने बताया है वो शेलाजोंग, वो तिब्बत में है, वहाँ एक वहाँ का जो वो भी हाई ऑल्टीट्यूड में है, लेकिन वह प्लेटू जैसा है, क्योंकि जहां से ये शांगपो नदी आती वहां आती है ना, आके वहां एक फ्लैट लैंड है, इसलिए वहां नेविगेबल है, क्योंकि वहां नौका चलाया जा सकता है। तो इसीलिए एक लंबा हिस्सा उसमें वाटर स्पोर्ट्स भी है और उसमें लोगों का कॉमर्शियल नेविगेशन भी है, और तिब्बतान लोग उनका जो अपना ट्रेडिशनल जो बोट है उसको लेके बहुत सारा एक्टिविटी वहाँ है,
लेकिन इससे ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उसका एक समांतराल है। अगर ऊपर में वो है तो नीचे आपने 642 स्क्वायर किलोमीटर किलोमीटर जैसा बताया, तो उसके साथ अगर हम तुलना करें तो अगर हमारे माथे के ऊपर 4000 मीटर में अगर वो है, तो 4000 मीटर नीचे असम में भी वैसा ही एक जलमार्ग है जिसको हम जलमार्ग नंबर 2 बोलते हैं भारत सरकार, नेशनल वाटरवे 2। तो ये भी एक प्रशस्त जलमार्ग है। तो उसका माने है कि इसमें जो नौका है और जब बड़ा जो सिप है जहाज है उसका आवाजावा हो सकता है, या एक्चुअली हुआ था। अगर बहुत लोगों को मालूम होगा कि क्योंकि कॉलोनियल टाइम में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो असम बांग्लादेश बॉर्डर से लेके एकदम डिब्रूगढ़ तक असम का बहुत ज्यादा ये जो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन का काम वो जहाज से होता था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ राजमार्ग या सरफेस ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था और ब्रिटिश लोगों ने ब्रह्मपुत्र का सही इस्तेमाल किया उसका नेविगेशन पोटेंशियल का। तो बहुत बड़ा बड़ा जहाज चलता था उस टाइम पे और जहाज से ही बहुत व्यापार होता था। आपको मालूम है ईस्टर्न असम में, अपर असम में बहुत बड़ा चाय के लिए, टी के लिए, पेट्रोलियम के लिए, प्लाईवुड के लिए, वो एक इंडस्ट्रियल बेल्ट था। हाँ, तो वहाँ से एक्सपोर्टिंग के लिए यहाँ से एकदम बांग्लादेश बंदर होके एकदम आपको ग्रेट ब्रिटेन तक, ये पूरा का पूरा असम का ब्रह्मपुत्र का जो जलमार्ग है वो पूरा एक पूरा बेल्ट का हिस्सा था, बिजनेस बेल्ट का हिस्सा था। लेकिन उसके बाद मैंने जो कहा है 1950 साल के बाद ब्रह्मपुत्र के नदी के प्रकृति में ऐसा परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसके बाद उसका जो नेविगेबिलिटी परिवहन क्षमता वो घट गई। क्योंकि क्या हुआ, मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा मिट्टी आ गई नदी में और ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि डिब्रूगढ़ में ये मेरा अपना क्या हो, हम लोगों ने देखा है कि डिब्रूगढ़ में 1950 साल के तुरंत बाद 12 से 13 फीट उसका जल स्तर बढ़ गया है। उसका मतलब है उतना 12 से 13 फीट जमीन उसमें जम गई नदी तल में। तो ये जो घटना है वो तब से, अब तो कम है उसका असर लेकिन थोड़ा असर अभी भी है। सो तब से लेके आज तक असम के ब्रह्मपुत्र बेसिन के लगभग सारे नदियां में बहुत ज्यादा बेद सिल्टेशन हुआ है, नदी तल में बहुत ज्यादा मिट्टी जम गया है। इसीलिए नदी का जो हम कहते हैं कि डेप्थ, जो गभीरता, जो नदी का जो डेप्थ है वो घट गया। इसके लिए नदी का जो कैरिंग कैपेसिटी, जितना पानी वो बहा के ले जाना सकता था एक टाइम पे, अभी वो नहीं है। इसीलिए अगर कम भी बारिश हो तो वो बारिश का पानी नदी तक पार करके फैल जाता है और बाढ़ कर देता है। इसीलिए पहले से कम बारिश में ही अभी ज्यादा बाढ़ होने लगा है। तो ये जो पूरा का पूरा चैनल ज्योमेट्री, चैनल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो पूरा चेंज हो गया, उसके बाद बहुत जगहों में बड़ी बड़ी जहाज चल नहीं सकते। और उसके बाद क्या हुआ, 1962 में चाइना वॉर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ 72 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद और पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो गया उसके बाद। इसीलिए इस पाकिस्तान के साथ हो, उसके बाद बांग्लादेश के साथ वो जलमार्ग से जो आपका बिजनेस हुआ था, जितना ट्रांजेक्शन हुआ सब धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ जगह में ही चलता है। लेकिन इस संदर्भ में आपको कहना ये जरूरी है कि हाल ही में 2016-17 साल में नया कानून लागू हुआ है इंडियन वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए,
उसके तहत ये कहा गया है कि पूरा का पूरा ये जो जलमार्ग है धुबरी से सदिया तक ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर वो पूरा का पूरा रिनोवेट किया जाएगा और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट उसको बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। नेशनल पॉलिसी है अनाउंस किया हुआ और अब तक बांग्लादेश के साथ थोड़ा प्रोटोकॉल अंडरस्टैंडिंग भी इंडिया का हो गया, उस पूर्वी तरफ वो बड़ाक होके और पश्चिम की तरफ धुबरी होके बांग्लादेश के साथ भी ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होने जा रहा है। इसीलिए आने वाले दिन में इस जलमार्ग का जो महत्व है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ इस चीज का ताल्लुक है कि ब्रह्मपुत्र का जियोलॉजी जियोमोफोलॉजी वो क्या है। बहुत एक बार आपने पूछा नहीं, मैं फिर भी बताऊंगा कि एक परिकल्पना चल रहा था, अभी नहीं है, चल रहा था हमारा अपना ही सरकार का, राज्य सरकार का। वो कहते थे कि हम जितने भी पैसा चाहिए हम उसको इन्वेस्ट करेंगे और केंद्रीय सरकार और असम सरकार का कि वो पूरा का पूरा जलमार्ग हम ड्रेजिंग करके एकदम उसको उसका नदी तल खुदाई करके ऐसा हम करेंगे कि नदी भी बहुत प्रशस्त हो जाएगा, बहुत डीप हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा और उसके तट में हम सुपर हाईवे बनाएंगे जो मिट्टी निकलेगा। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया था असम का बाढ़ और कटान का समस्या दूर करने के लिए। ये 2016 में प्रपोज किया गया, 2017 के बाद कोई इसके बारे में बात नहीं करता क्योंकि तब तक सबको मालूम चला कि यह संभव नहीं है। असंभव है, एक्सपर्ट ने भी बोला और सरकार को भी समझ में आ गया कि ये पॉपुलिस्ट आइडिया था, यह संभव नहीं होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जी अच्छा, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं, 1962 में असम में गुवाहाटी के पास सड़क और रेल दोनों के लिए सराई घाट पुल बना, यह असम में नदी पर मोस्ट प्रोबेबली पहला कंस्ट्रक्शन था, पहला निर्माण था, पहला था। इसके बाद 1987 में तेजपुर के निकट, तेजपुर के पास एक दूसरा कालिया भमोरा सड़क बनाया गया। इन निर्माण का जो कंस्ट्रक्शन हुए दोनों, इसके वजह से आपका आवाज नहीं आ रहा है मिश्रा जी। निर्माण हुआ जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद से दो नदी के आसपास और आबादी जो है बढ़ी होगी, जनसंख्या बढ़ी होगी, उसका नदी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, इसका एक पहलू आपने बताया है और एक पहलू मैं बताऊंगा। एक चीज है कि असम में अभी मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र पे चार चार ब्रिजेस है, एकदम पश्चिम में पंचरत्न है, उसके बाद सरायघाट, उसके बाद कलिया भूगोल है, उसके बाद बोगीबिल डिब्रूगढ़ में है और उसके बाद भी अब इसमें जाएगा कि जिसको हम भूपेन हजरिका जी के नाम पे दिया है भोला शोदिया या भूपेन हजरिका ब्रिज, वो एक्चुअली लोहित नदी में आता है, मेन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्र में नहीं आता है। फिर भी मैं पांच ब्रिज, मैंने सोचा कि पांच ब्रिज है अभी। जब ये ब्रिज बना तो ये बहुत जाहिर है कि ब्रिज के लिए वहां दोनों तट में, दोनों पार में ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रैफिक बढ़ता है और सेटलमेंट भी बचता है, वहाँ थोड़ा लोकल डेवलपमेंट भी हो जाता है, दुकानें होते हैं, ऑफिस होते हैं, बाजार हो जाता है, ट्रांसपोर्ट स्टेशन बन जाता है। तो इसीलिए जहाँ अभी धोला सोदिया को लेकर देखते पार में तट में कुछ नहीं था, अभी एकदम पूरा रूरल लैंडस्केप था, अभी आप जाइए ढाबे देखेंगे, ये देखेंगे, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। तो इतना अगर होता है तो उससे तो पॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि सॉलिड वेस्ट या गार्बेज बहुत ज्यादा, स्पेशली पॉलिथीन या प्लास्टिक का बोतल। अभी आप जाएंगे तो धोला सुजिया का वो जो दोनों पार का जो प्रिस्टीन रूरल स्केप जहां हम घूमने जाते हैं, अभी उसको देख के अच्छा नहीं लगेगा। ब्रिज काम की चीज है, ब्रिज ने आपका लाइफ आसान बना दिया, लेकिन आप इसका प्रकृति में थोड़ा, आपने सही पूछा है, उसमें तो हमने देखा है, ठीक है।
सरायघाट के इमीडिएटली बाद क्या हुआ था हमको पता नहीं था, हमका जन्म भी नहीं हुआ था तब। लेकिन अब सरायघाट में जाएंगे तो ये तो और एक ब्रिज बन गया है सरायघाट में पैरेलल, और ये तो एक पूरा का पूरा पोल्यूशन का एक सेंटर है, इसीलिए भी है कि वहाँ नदी का घाट भी है। सो काफी सारा बड़ा जहाज चलता है, डीजल विजल लगता है, तो इसीलिए आप देखेंगे तो जब ब्रिज नहीं था उसके तुलना में जब ब्रिज हो गया थोड़ा तो असर नदी के वाटर क्वालिटी में पड़ा है। अब एक जमाना था जहां हमको भी लगता था और सबको लगता था कि क्योंकि ब्रह्मपुत्र असम में बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है और बहुत ज्यादा ऐसा फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है स्पेशली नदी के पार में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज्यादा शायद पॉल्यूशन नहीं होगा। ये एक अवधारणा था। आपके परिस्थिति आपको हम बताता हूँ, 2008 साल से 2018 साल तक ये लगातार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो देश के सारे नदियों का वाटर क्वालिटी का निरीक्षण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो कर रहा है, वो रिपोर्ट करता रहा है। तो आसाम में पहले 30 था, अब 2018 के जो रिपोर्ट उनके मुताबिक 44 ऐसे नदी का हिस्सा है असम में जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड है। बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, इतना पॉल्यूटेड है कि कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तो 2008 से लेकर अभी मुझको भी थोड़ा आश्चर्य लगता है कि कहाँ है पॉल्यूशन, तो हमने हमारा काम ही है, आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, तो मैं ये देखता रहता हूँ। उसके बाद मैंने जो देखा तो जहां जहां ब्रह्मपुत्र का है, इसके ट्रिब्यूटरीज का है, तो ब्रह्मपुत्र का जहाँ है गुवाहाटी वाला हिस्सा, धुबरी वाला हिस्सा या तेजपुर वाला हिस्सा, उसमें पॉल्यूटेड है, आपने सही पूछा है। और इसका माने ये है कि एक समय कम था लेकिन अब बढ़ गया है। कहाँ से हुआ है? बहुत बड़ा इंडस्ट्री तो अभी नहीं है, तो क्या हुआ कि बेसिकली बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा नदी के तट पे बहुत जहां भी घाट है छोटा छोटा सेंटर बन गया है, और नदी के पार में जहां भी अर्बन सेंटर नया बन रहा है, पूरा का पूरा गार्बेज, पूरा का पूरा एफ्लुएंट ये नदियों में आ रहा है। ये हालांकि अभी भी आसाम में रिवर पोल्यूशन को सीरियसली नहीं लिया जाता है, क्योंकि इतने नदी है, इतना बार है, इतना पानी है, पोल्यूशन को तो लोग रैंकिंग में 10 या 12 में रखेगा, छोड़ो थोड़ा है भी तो छोड़ो, लेकिन वो लीन सीजन में हमको पता चलता है। यू भी आप थोड़ा साइंटिफिकली देखेंगे तो ये गंभीर मामला बन रहा है असम में। लेकिन ये दूसरा पहलू मैं बताता हूँ, जब आप ब्रिज लगाएंगे तब थोड़ा पॉल्यूशन होगा, उसके लिए शायद आप कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन जब जब भी ब्रह्मपुत्र में बड़ा ब्रिज हुआ तब तब भी उस ब्रिज के डाउन स्ट्रीम में बहुत बड़ा कटान हुआ, बहुत बड़ा इरोशन हुआ। 62 में सरायघाट बन गया, तो सरायघाट ऐसी जगह में बना जहाँ दोनों तरफ रॉक स्ट्रेटम है, पहाड़ी है, इसीलिए 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो नदी ने क्या किया, वहां जो अपने नदी को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, छोटा करके नदी ब्रिज बनाया, तो डाउन स्ट्रीम में बह के नदी ने जहां ही उसको सॉफ्ट या बहुत कोमल मिट्टी मिल गया, वो दोनों तरफ फैलने लगा, वो कटने लगा। इसीलिए इमीडिएटली वो जो पलासबारी एरिया हमने बोला था 20 किलोमीटर अभी चौड़ा है, वो पलासबारी एरिया में 1970s, 1960s, late 1960s से 1970s में लेके 10,000 लोग वहां से विस्थापित हो गए, तो पूरा का पूरा एरिया एकदम पूरा खत्म हो गया। तो ये एक एरिया कटान के लिए वो और इरोशन के लिए बहुत ही जाना जाता है। उसके बाद मैंने वहां बोगेबिल में हुआ, कुछ लोग अब भी मानता है कि उसके लिए माजुली में उसका असर पड़ा है। कोलिया भूमुर में आपने किया, उसके लिए भूरबंधा मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट में असर पड़ा है। असर पड़ा है मतलब कि वहां कटान बढ़ गया है। तो ये एक चीज है कि अगर आप थोड़ा बनाने से पहले ही इसका सही स्टडी आप नहीं करेंगे क्या होने वाला है, और उसका सही प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, ये मैंने कहा कि ब्रिज बहुत ये टूल्स आर वेरी यूजफुल, ये ब्रिज इज वेरी काम की चीज है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप ब्रिज, क्योंकि आपके पास कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, उसको उसका प्रयोग करके आप अगर लोगों का ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नदी का कटान कम हो और लोगों का विस्थापन भी नहीं हो, तो आपको करना चाहिए। लेकिन अब तक सारे ब्रिज में हमने देखा कंस्ट्रक्शन पर ही
सब अहमियत दिया गया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट और डाउनस्ट्रीम इफेक्ट है उसके बारे में किसी ने सीरियसली अध्ययन भी नहीं किया और कोई प्रोटेक्शन की बात भी नहीं। सर कहते हैं कि बाढ़ जो है नेचर का हिस्सा है, नदी का हिस्सा है, नदी के प्रकृति का नेचर का हिस्सा है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बाढ़ जो है ब्रह्मपुत्र जो है हर साल असम में बाढ़ लाती और उसको दोषी ठहराते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। उसमें अपना मतलब अपनी जो भागीदारी है मनुष्य की और जो हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं उसका, उसको लेकर कोई बातचीत नहीं करते, इसमें क्या सच है क्या झूठ है उस पर थोड़ा बताइए। मैं पहले शुरू करता हूँ आपको, ब्रह्मपुत्र में जब बाढ़ आता है और बाढ़ के साथ कतानु तो रहता ही है, इट्स अ ट्विन प्रोसेस, इसके साथ एक के साथ एक जो कहता है ना, एक जुड़ा एक हुआ खरीद है। एक खरीदने से एक फ्री मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री, तो ऐसा होता है, तो वो जुड़ा हुआ है बाढ़ और कतान। कतान थोड़ा कम दिखती है बाहर से, जो बाढ़ का जो दुष्प्रभाव वो ही ज्यादा दिखता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में या इंटरनेट में जो भी तबाही का दृश्य आपने देखा होगा, तो मुझे कहना जरूरी नहीं है कि कितना ज्यादा लोग सफर करते हैं, लोगों का कितना दुख होता है, काफी सारे लोग मरते हैं। मैं तो सब कुछ छोड़ के अगर इस साल के बाहर में बाढ़ के बात में बताऊं, सिर्फ जून में एक और जुलाई में दो वेव हुआ, तीन वेव के फ्लड में 113 लोग मारा गया, ठीक है, तो 40-50,000 लाइव स्टॉक गया। तो और सबसे जरूरी ये बात है कि जब हम फ्लड के नेगेटिव इंपैक्ट के बात करते हैं तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वो सब हमारे पास है, बट उससे उभर के आपको और कुछ चीजें देखनी है। वो तो है कितने लोग अफेक्टेड हुए, कितने लोग शेल्टर कैंप में रहा, वो सब आंकड़ा है, वो मैं बता भी सकता हूँ आपका वो सब, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी है जो जीने का जो हमारा क्या बोलूं मैं हिंदी में, जो एक मिनिमम जो डिग्निटी डिग्निटी जो मर्यादा आदमी के जीवन में होता है वो तच नच हो जाता है, लोग जानवर की तरह रहने लगते हैं। आपको लोग और पशुधन जानवर गाय भाई से एक साथ रहते हैं, और ये जो दृश्य है आप अगर देखेंगे कहीं भी देखेंगे, आप खुद जाके देखेंगे, ये अपने आप में दिल दहला देने वाली बात। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं मानता हूं कि इतना बड़ा एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और हर साल घटता है, हर साल होता है। असम में हालांकि ये हुआ कि क्योंकि हर साल होता है, पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, सरकार इसको ग्रांटेड करके ले लिया, इवन जो लोग विक्टिम है वो भी ग्रांटेड करके ले लिए, होता ही है, ये हमारा डेस्टिनी है, हमारा भाग्य है, क्या कर सकते हैं, सरकार ही कुछ नहीं कर सकते या कुछ नहीं किया तो हमको तो और सहने का अलावा कोई हमारे पास कोई ये नहीं है। तो ऐसा एक एटीट्यूड ग्रो करके गया है, राइट। तो अभी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये बिहार हो, यूपी हो, असम हो, सिमिलर बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं, बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं। मैं जस्ट एक उदाहरण ठीक नहीं, एक मैं टाइप बताता हूँ इसका। जब हम गांव में जाते हैं बाढ़ के बाद, या हम जाते रहते हैं, कितने सारे लोगों से बात करते हैं और उनका राय लेते हैं, उनका परसेप्शन लेते हैं कि क्या करना चाहिए, इसका प्रकोप तो पूरा खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा कम करने के लिए क्या कर सकते, सरकार को, ये सब जो हम खोज करते हैं कम्युनिटी बेस्ड या फील्ड बेस्ड, तब हमको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको एक एक उनका जो कहानी बोलेगा, स्टोरी बोलेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टोरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक जमाने में काफी संपन्न, काफी रईस, काफी धनाढ्य, मिलके काफी संपन्न लोग थे। संपन्न का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा था, लेकिन बहुत जमीन था,
बहुत धान था, बहुत खेती था, एकदम जमींदार जैसा था, ये राजा के माफिक रहता था, छोटे छोटे गांव में वो सब जो, वो एक राजा और रंग टाइप का स्टोरी है। अभी वैसा बहुत लोग आजकल वो आपको मिलेगा, वो जो शेल्टर कैंप लगाते हैं वहां मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे लोग, क्योंकि ये एक दिन का घटना नहीं है, सालों साल, सालों साल होने के बाद पूरा परिवार बिखर गया, पूरा गांव उजड़, गांव के गांव उजड़ गया, सब कटान भी हुआ, बार भी हुआ, खेती भी गया, सब कुछ गया, और नदी उसको कटान को कम करने के लिए, बार को कम करने के लिए जो भी सरकार कर रहे है वो कभी पर्याप्त नहीं है, इसीलिए वो जो समस्या समस्या ही रहा वो बढ़ने लगा, बाढ़ बढ़ने लगा, कटान बढ़ने लगा, ये लोग भी उजार गए सब, बहुत सारे लोग जो हम कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन, वो बहुत अपने अपने जमीन इलाका छोड़ के चले गए, अब बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी नहीं है कि कहाँ चले गए। आजकल आप लोगों को मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से 25-30-40 लाख जो युवा पीढ़ी के है, उसमें कुछ महिला भी है, पुरुष भी है, वो पूरे देश में फैल गया है नौकरी के लिए। अभी वो कोरोना कालीन जो लॉकडाउन है उसमें जब वापस आया है, रिवर्स माइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तब जाके पता चला है। 2012 में भी हमको चला आया था फॉर सिविल अनरेस्ट, तब भी हमको पता चला। तो ये जितने लोग बाहर फैल गया है नौकरी के खोज में गया है, इसमें कम से कम 50% से ज्यादा ऐसे इलाके से है जो जो बहुत ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, कटान प्रभावित है। तो ये भी एक आउट माइग्रेशन का बहुत बड़ा आपका कारण है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ मैं उसका प्रभाव के बारे में बता रहा था। तो ये है सोशल इम्पैक्ट, ऐसे ही बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा वो जो आर्द्र भूमि के बाद डॉक्टर निर्जा ने बोला था वो आर्द्र भूमि खत्म हो गया, इसके लिए जो नेचुरल डिजाइन था फ्लड मॉडरेशन का वो भी खत्म हो गया, बहुत ज्यादा बहुत सारा आर्द्र भूमि तो हमारे लोगों ने मनुष्य ने इसको एनक्रोच करके खत्म किया, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत सारा आर्द्र भूमि सिल्टेशन सेडिमेंटेशन के कारण भी खत्म हो गया। तो ये सब भी मुद्दा है। अब जब इम्पैक्ट असेसमेंट सरकारी तौर पे होता है, ये सब चीजें कभी नहीं सामने आता है। लोग बहुत सारे लोग मानसिक तौर पे अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि हम बोलेंगे कि पागल हो गए हैं, बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली इम्बेलेंस्ड हो गए हैं, बहुत सारे लोग बिखर गया, एक गांव था, एक क्लैन था, एक फैमिली था, बड़ा फैमिली था, कौन कहाँ रह गया, कौन भिखारी बन गया, कौन कहाँ का, किसी को कुछ पता नहीं, पूरा समाज रूरल सोसाइटी अस्त व्यस्त हो गया। ये बड़ा सोशल इम्पैक्ट है, इसके ऊपर कोई आलोक प्रकाश नहीं करता है, कोई सोचता नहीं है। अभी जो होता है आंकड़ा आता है फ्लड डैमेज के नाम पे, आपको अगर चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उतना मैं लंबा नहीं करूंगा, यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर आप हम जो कर रहे हैं 1952 से 2018 तक भारत के जहां जहां बाढ़ प्रभावित राज्य है वहां का आंकड़ा हमने देखा है, सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार, उसके बाद असम। लेकिन बिहार का जो आपका इलाका है, एरिया, वो लगभग 2 गुना से ज्यादा असम से, ठीक है। तो अगर डेंसिटी ऑफ डिजास्टर आप देखेंगे असम में बहुत, मेरे पास आंकड़े हैं, कुछ नहीं हम कहेंगे अभी, वो सबके पास है। अब मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो इम्पैक्ट है, ये जो डैमेज है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका असर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नई नई इलाका बाढ़ के प्रकोप में आ गया है। कुछ इलाके को तो हमने थोड़ा प्रोटेक्शन डाल के तटबंध बना के कुछ कर लिया, लेकिन उससे ज्यादा इलाके बाढ़ के अंदर आ गया, क्योंकि सारे के सारे आपका तटबंध था जो सब टूट गया।
तो हमारा अपना एक पर्यवेक्षण है कि आसाम के अभी जो हम बोलते हैं कि आसाम के थोड़ा तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बहुत ज्यादा मैन मेड है ये असर, वो हम खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे तटबंध बनाए हैं, एम्बैंकमेंट बनाए हैं। हम सबको मालूम है कि तटबंध का क्या प्रॉब्लम है, क्यों तटबंध एक बड़ा सा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, सबको पता है। लेकिन यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के नाम पे बिका जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सो ये जब जब ज्यादा तटबंध टूटा है, तब तब पार का कहर बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो इसीलिए आप इन अदर वर्ड बहुत जगहों में अगर तटबंध नहीं होता तो बाढ़ का प्रकोप और टोटल इम्पैक्ट कम होता। ऐसी बहुत जगहों में हमने तटबंध बना दिया जिसमें कोई जरूरी नहीं था, लेकिन तटबंध सबको चाहिए, इंजीनियर को चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर को चाहिए, मिनिस्टर को चाहिए, सबको ना, क्योंकि इट इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ फ्लैग मैनेज एवरीबॉडी लाइक अपने साइनाथ जी का नाम लिया ना, साइनाथ जी ने किताब लिखा एवरीबॉडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट यस। तो असम और बिहार में तो एवरीबॉडी लव्स ए गुड फ्लैग एंड एवरीबॉडी लव्स ए बैंकमैन बिकॉज़ दिस इज देम अ विन-विन सिचुएशन। ये ऐसा नहीं कि ये सब मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिक डिस्कोर्स में आता नहीं है। हम कुछ लोग इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज मार्जिनलाइज्ड। यू नो सत्य, हम सब कुछ समझते हैं, कहाँ लिमिटेशन है, इंजीनियरिंग नॉलेज का लिमिटेशन है, पॉलिसी का लिमिटेशन, सब कुछ समझते हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि इवन ये सब लिमिटेशन कॉन्स्टेंट के बीच में भी बहुत कुछ कर सकते थे, बाढ़ और कतान का प्रकोप कुछ कम कर सकते हैं अगर हम सिंसियरली और ऑनेस्टली हम अपना काम करते हैं, लेकिन हमने किया नहीं। इसीलिए करप्शन भी बढ़ गया और एफिशिएंसी ऑफ द होल फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम हैज क्रम्बल्ड। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि वी आर इनकेपेबल, आवर नॉलेज डजंट गो बियॉन्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स। हम उससे ज्यादा सोच नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है हमारे पास। हमने कभी R&D नहीं किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीरियसली इंडिया में कभी ब्रह्मपुत्र को लेके, कोशी को लेके, गंगा को लेके, सिर्फ एक चीज छोड़कर, गंगा के पोल्यूशन को छोड़ के, यो बाढ़ और कतान के समस्या का जो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता, हमको मालूम है ये नेचर प्रोसेस, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिस्क मिटिगेशन के लिए जितना रिसर्च होना था, इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होना था, उसमें कभी महत्व नहीं दिया गया, गुरुत्व नहीं दिया गया, इसलिए वो नॉलेज डेवलप ही नहीं किया। इसीलिए जो लोग टेक्नोक्रेट्स मेनली इंजीनियर्स हु आर आवर फ्लड मैनेजर्स, जिसके जिम्मेदारी है, उसके पास तो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है, इसीलिए वो लोग नदी को दूषित कर रहे हैं। ये नदी ही है जिसके लिए बाढ़ आती है, इसको कंट्रोल करो, उसको टेम करो, उसको बंद कर दो अगर हो सकता है तो। सर ये कंट्रोल करने की बात से बात पूरी कर लीजिए, सॉरी। नहीं, ये बस एक ही बात बताऊंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग जिसके जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं उनका भी ऐसा ही माइंडसेट है, बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उनका फ्लेक्सिबल माइंडसेट नहीं है, वो लोगों का ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में नहीं जानता है, उसको मायने नहीं देता है, और उसको जो इको हाइड्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता नहीं है, अगर पता भी है तो उसको भी अहमियत नहीं देता है, और जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ये पूरा फ्लड के अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए वो तो नहीं है उनके पास, और वो नॉलेज क्रिएट करने के लिए, वो नॉलेज डेवलप करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग ये सब जितना होना चाहिए वो कुछ भी नहीं। तो एक ट्रेडिशनल तरीके से लोग सोच रहे हैं, उनके आगे का पीढ़ी एम्बैंक बनाते थे वो भी एम्बैंक बनाते हैं, आगे का पीढ़ी स्पार देते थे वो भी रिवर्टमेंट करते थे, ये भी रिवर्टमेंट करते हैं, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए उनको मालूम नहीं है। जिस अगर कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज्ञानी है, गुणी है, एनलाइटेंड है, कुछ पढ़ा लिखा है,
उनको मालूम भी है तो सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है, वो अकेला क्या करेगा। तो पूरा सिस्टम जब अपडेट नहीं होता है, जैसे कि नेदरलैंड में हो गया, जैसे कि बांग्लादेश में हो गया, जैसे कि चाइना में हो गया, जो भी हो, तो वट एवर एक्सटेंट और डिग्री दे हैव एक्वायर्ड सक्सेस इन मैनेजिंग देयर फ्लड्स एंड रिवर्स, वो अलग बात है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं। ये सेम माइंडसेट, मुझे खेद है कि ये सेम माइंडसेट इंजीनियर के है, ब्यूरोक्रेसी का है, टेक्नोक्रेसी का है, और ये सेम माइंडसेट पॉलिटिशियन का तो है ही, सेम माइंडसेट कुछ हमारे जो सोसाइटी के लोग उनके भी है। स्पेशली हम कहेंगे जो न्यू जनरेशन है, हमारे जनरेशन की बात कर लीजिए, हमारे नीचे एक दो पीढ़ी है, तो वो भी हमको लगता है कि नदी और प्रकृति, एनवायरनमेंट, ये सब के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो जो लोगों का ज्ञान है, जो बेसिक साइंस है, जो बेनाइन टेक्नोलॉजी है, वो जो हानिकारक ना हो, उसके बारे में हम जागरूक नहीं कर सके लोगों को। इसीलिए अब काफी जगह हमें जाएंगे तो जो ओल्ड जनरेशन के लोग वो आपको बताएंगे कि सभी जगहों में तदबंध ठीक नहीं है या तदबंध से कुछ क्या क्या हानि होते हो बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा यंग जनरेशन के लोग आपको आके बताएंगे नहीं 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 तदबंध ही एकमात्र समस्या का हाल है, क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया है। वो तदबंध देख के जन्म के बाद से तदबंध देख रहे हैं और देखते हैं कि अब टूटता है, लेकिन कभी कभी प्रोटेक्ट भी करते हैं, उसके बारे में कभी विस्तार से उसका प्रोज एंड कॉन्स देखे आलोचना नहीं होता है, उसका कोई डिस्कोर्स नहीं है, इसीलिए थोड़ा पब्लिक परसेप्शन में भी प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे मायने है कि ऐसा जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ऐसा बहुत सारा, ऐसा हजार लाखों डिस्कशन होना पड़ेगा, लोगों को फिर से जागरूक करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स, इंजीनियर जो भी है उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि ये वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसको सही रास्ते में लाना पड़ेगा, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को सही रास्ते में लाना पड़ेगा। और सिर्फ नदी को दोष देके आप बच नहीं सकते और आपको ये करना भी नहीं चाहिए। नदी अपना काम कर रहा है, ये आपका इनकैपेसिटी है कि आप नदी को समझ नहीं पा रहे, यू आर नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ए रिवर वर्क्स एंड व्हाट ए रिवर इज सपोज टू डू, और इसीलिए आप ये बात बोल रहे कि नदी को कंट्रोल करो, इंजीनियरिंग करो, ट्रेन करो, ये करो, और फाइनली ऑल योर एम्बैंकमेंट्स टुडे और टुमारो दे विल ब्रीच और दे हैव ऑलरेडी ब्रीच। ठीक है, कुछ ना कुछ जगह में प्रोटेक्शन हुआ है, हमको मालूम है, कुछ ना जगह में प्रोटेक्शन काम करता है, स्ट्रक्चर में जस्ट काम करता है, सारी जगह में नहीं करता है। और आपको थोड़ा मैक्रो आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 52 से लेकर अब तक आपका फ्लड प्रोन एरिया बढ़ गया है, पूरे भारत में बढ़ गया है, बिहार में 3 गुना बढ़ गया है, और असम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नई नई इलाका बाढ़ के चपट में, क्यों हो रहा है, चिंतन है, कभी सोचे है, इन्वेस्टिगेट किए हैं, इंक्वायरी किए हैं, रिसर्च किया है, मन लगाया कभी इसमें? ये थोड़ा प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, खोज नहीं होगा, तो कैसे मिलेगा आपको समाधान? इसीलिए आपको पहले सबसे बड़ा एक बड़ा कन्फेशन करना है कि हाल में जो हो रहा है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं दे सकता, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ही दे सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमको कुछ और करना पड़ेगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म के नाम पे हम अभी तक जो कर रहे थे वो गलत है, ये कन्फेशन आपको देके नई सिरे से शुरू करना पड़ेगा। सर ये जो रोकने की बात है, पानी को रोकने की बात है, बाढ़ को रोकने की बात है, हम कहते हैं कि बाढ़ को रोकेंगे क्योंकि इससे लोगों की तबाही होती है, पर जब बाढ़ जो है, बाढ़ अपने साथ जो सिल्ट लाती है वो उपजाऊ खेत तैयार करती है, उपजाऊ मैदान तैयार करती है, लेकिन अगर हम बाढ़ एक मतलब हाइपोथेटिकल ये मान लें कि बाढ़ को हमने रोकने में वो पा लिया, कामयाबी पा ली, तो अगर बाढ़ नहीं आएगा तो हमारा जो नदी किनारे जो सभ्यता बसी है और जो जो उपजाऊ जमीन है उसकी वजह से जो फसल का उत्पादन है वो कम होगा और अनाज का संकट और गहरा होगा क्या? ये आपने एक के बाद एक बहुत ही अहम सवाल कर रहे हैं, एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे थोड़ा कुछ कहने का ना ये मौका मिल गया है। ये सबको मालूम है,
और लेकिन इस पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि ऑल फ्लैट्स आर नॉट बैड, सब बार के अलग अलग टाइप होता है, अलग अलग प्रकार होता है, ठीक है। तो पहले जमाने में क्या होता है, क्या होता था 1950 से पहले कॉलोनियल टाइम्स में क्या होता, बाढ़ नहीं आता था, बाढ़ आता था, अभी ज्यादा आता है क्योंकि नदी का गति प्रकृति, उसका मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी सब कुछ चेंज हो गया है, और उसमें ह्यूमन इम्प्रिंट भी है, ह्यूमन इम्पैक्ट भी, इसलिए बहुत, लेकिन पहले भी आता था। बट फार्मर्स ऑलवेज यूज टू वेलकम फ्लड्स, और उस जमाने का जो लोग, सबको, गांव के लोग हो या शहर के लोग हो, सबको मालूम था, और ज्यादातर गांव के लोग को मालूम था कि बाढ़ का उपयोगिता क्या है। बाढ़ इतनी अलग अलग तरीके से लोगों का सहायक है, मानव कल्याण का काम करते हैं ये बाढ़, ठीक है। तो इसीलिए जब तक बाढ़ बहुत खतरनाक ना बन जाए, जब तक बाढ़ एक टॉलरेबल स्टेट में है, मॉडरेट फ्लड्स जिसको हम कहते हैं, जब तक आप एकदम आपके समाज को, आपके घर को, आपके जगह को तस नस नहीं कर देता है, जान मान का हानि नहीं कर देता है, तब तक उस जमाने में इसको बहुत ज्यादा मैनेज करने का कोई दरकार लोग अनुभव नहीं करते थे, क्योंकि लोगों के पास उस टाइप के बाढ़ के साथ जीने का, जिसको हम कहते हैं कोप विद, लिव विद फ्लड और कोप विद फ्लड और को एग्जिस्ट, वो नॉलेज था, वो धैर्य धीरज था, वो विजडम था, सब कुछ था, राइट। लेकिन उसके बाद अब जब से 1952-60 से जब से ये सब तदबन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और जब से हमको ये कहा गया कि हमारे पास एक ही तरीका है, एक ही तरीका हमको आता है वो बाहर से आपको बसाने के लिए, वो तटबंध बनाना चाहिए, और भी तटबंध बनाना चाहिए, और भी तटबंध बनाना चाहिए, जब तक कि सारी नदियां पूरा का पूरा, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि जैकेटेड ना हो जाए, पूरा का पूरा, उसके बाद ये सारे नदियां नला या ड्रेन जैसा दिखने लगेगा, तभी जाके शायद, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नदी का अपना भावना होता है, नदी का अपना स्वभाव होता है, इसलिए तटबंध को तोड़ देता है जब जब भी जरूरत महसूस करता है, राइट। तो नदी का ये गति प्रकृति स्वभाव लोगों को मालूम था, ये दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, बाढ़ के बारे में भी मालूम था, ठीक है। इसीलिए बाढ़ के विरुद्ध कोई एटीट्यूड नहीं था, नदी के विरुद्ध देयर वाज नो डिसलाइक फॉर ए रिवर और बाढ़, तो लोगों को पता था ये, क्योंकि ये नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस का, साइकिल का एक हिस्सा है, ये होना ही है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। हम बारिश को बंद कर सकते हैं, हम मानसूनी बारिश को बंद कर सकता है क्या? और बाढ़ क्या है? मानसूनी बारिश नदियों से जब बह जाती है, इसका ज्यादातर हिस्सा ग्राउंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जाता है, सब सरफेस जाता है, फिर दैट गेट्स कन्वर्टेड टू सरफेस वाटर, नदियों से बह के, और नदियां अपना काम करता है, नदियों का काम है पानी को बहा कर ले जाना, गैड को या मिट्टी को बहा कर ले जाना, फैलाना, वैली मेकिंग करना, उसको उपजाऊ बनाना, ये नदी का काम है, नदी अपना काम करता है, लोगों को मालूम था, ठीक है। अभी आपने जो पूछा है, अगर हम सारे के सारे फ्लडिंग को बंद करने में सक्षम हो गए, तो बाढ़ का पानी कंट्री साइड में नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा, खेत खेत में नहीं जाएगा, ठीक है। और किसी तरफ से हम बांध को बंद कर दिया तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जाहिर है कि वो जो बांध के जल के साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो फाइन सिल बन के आते हैं, उससे डिप्राइव हो जाएगा पूरा का खेत का जमीन वैली में, ठीक है। उसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मिट्टी का फर्टिलिटी सलाइन या प्रोडक्टिविटी वो घटेगा, कहीं कहीं जगह सलाइन भी हो जाएगा कोस्टल एरिया में, ठीक है। लेकिन ये एक ही साल में ये प्रकट नहीं हो सकता। अगर वैसा ही सिचुएशन जारी रहा कुछ साल तक, तब आपको दिखाई देगा कि दोनों ओर जमीन बंजर होता जा रहा है, मॉइस्चर नहीं है सॉइल में, खेती नहीं होगा,
कुएं में पानी दब जाएगा, पानी नहीं निकलेगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद ये पता चलेगा आपको। हमको देखने में मिला है, एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं जहां से आता हूँ नौगांव जिले में, वहां एक डिस्ट्रीब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का, नाम है कोलोंग। तो कोलोंग भी एक बहुत ही फेमस केस है, आप अगर इंटरनेट में जाके देखेंगे तो मिलेगा आपको। मैं अब जहां से बात कर रहा हूँ, जस्ट बिल्कुल कोलोंग के पार से मैं बात कर रहा हूँ, वही मेरा घर। तो ये 1960s में ये ब्रह्मपुत्र से निकल के, और फिर ब्रह्मपुत्र में ही, नौगांव जिले में ब्रह्मपुत्र से निकलता है और कामरूप जिले में फिर ब्रह्मपुत्र में समा जाता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुआ, इन दिस सेंस दैट ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ इट्स वाटर थ्रू दिस चैनल, पूरा का पूरा पानी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नेचर ही ऐसे है कि ब्रेडेड रिवर है, तो अलग अलग चैनल से वो अपनी पानी और मिट्टी को भेजता है। तो ऐसा ही एक था। तो इस कलंग से नौगांव जिले में कभी कभी बाढ़ आ जाता था, तो 1960s में, 50s के एंड में ज्यादा बाढ़ आया, 60s में बाढ़ आया। तो देर वॉज अ पब्लिक डिमांड फ्रॉम सम पीपल एंड पॉलिटिशियन, इस नदी को बंद किया जाए, नहीं तो यू पार करता रहेगा। तो उन्होंने नदी को बंद कर दिया, जहां वो ब्रह्मपुत्र से निकलता था वो बंद कर दिया, मर कर दिया, नदी मर गई, ऑलमोस्ट मर गई, अब तक वैसा ही है। उसके बाद 90s 2000 में जब थोड़ा जागरूकता आया पर्यावरण के, नदी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो राइट टू लाइफ भी आ गया नदी के पास, तो पिछले एक दशक में थोड़ा अवेयरनेस आ गया है कि इस नदी को फिर से खुला छोड़ना चाहिए, खोल देना चाहिए, उसको प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा कुछ पब्लिक कैंपेन भी है, मूवमेंट भी है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उससे, सरकार उसमें कुछ ना कुछ कदम अभी ले भी रहा है। लेकिन क्या हुआ, 60s में आपने उसको बंद कर दिया, अब तक हमने देखा है कि ये नदी के पार में पहले जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी था बहुत घट गया। उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट था, अब इरिगेशन प्रोजेक्ट भी बंद हो गया क्योंकि पानी नहीं। उसमें जितना आपका वेजिटेशन कवर था वो भी घट गया। ये एविडेंस है, जिन्होंने रिसर्च किए हैं उन्होंने दिखाया है कि एक नदी के प्रवाहित होने से जब आपने रोक लिया, नदी को बंद कर दिया, तो धीरे 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 नदी के तट पे जितना सारा जमीन था, स्पेशली एग्रीकल्चर जो भी था, वो खत्म हो गया, वो जाएगा ही। वो बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर लगेगा इसको समझने में, लेकिन ये होनी ही है क्योंकि ये तो प्राकृतिक तरीका है। आप तो बाहर से लाके इतना ज्यादा जमीन को यूरिया देके तो आप नहीं कर सकते है ना बहुत दिन तक, तो ये सही है। तो फिर इसीलिए आपको धन्यवाद क्योंकि आपने फिर लाया है वो मुद्दा। सबको समझना चाहिए कि बाढ़ की उपयोगिता क्या है, थोड़ा बाढ़ तो होना ही चाहिए। अगर पूरा का पूरा बाढ़ बंद करने का तकनीकी सक्षमता आपके पास आ भी गया, तब भी आपको कुछ ना कुछ बाढ़ का पानी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, बाढ़ को जमीन के संस्पर्श में आने देना पड़ेगा। ये मैं थोड़ा एक एज्यूम करके बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा बाढ़ आप कभी नदी को आप कभी नहीं, वो नहीं हो सकता। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि इतना लंबी चर्चा हो गई, अभी बात तो बहुत सारी कर सकते हैं पर बहुत लंबी चर्चा हो गई। एक मतलब पहली और आखिरी बात, जो नदी के प्रति श्रद्धा थी लोगों की, जैसे भूपेन हजारिका को आप सुने हो, उनके एक दर्जन से ज्यादा गाना है ब्रह्मपुत्र पे, गंगा पे। एक मैंने एक गाना उनका ये भी है, ब्रह्मपुत्र कानों ते बरहमुखी जुपी, आमी खारा लोरा जाई आटू बाई उटू बाई नीनी बा, ब्रह्मपुत्र देवता तामुल दी मनोता नहीं नाई। ऐसे लोकगीत लिखे गए, ये सारी नदियों के साथ होता है कि उसके आसपास रहने वाले लोग उसके लिए कुछ उनके। बहुत बहुत ही मजेदार सवाल आपने पूछा है, अभी बहुत कम, इतने सारे इंटरव्यू मेरा होता है, बहुत कम लोग ये पूछ रहा है। आपका दो सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नाम वाला वो, क्योंकि मुझे बताने में मजा आता है।
और आप जिसका कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ रिवर्स इन ब्रह्मपुत्र वो भी बताना में मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय अपने आप में है। तो यही बताऊंगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तिब्बत से आके एकदम अरुणाचल में घुस के आसाम से जाकर बांग्लादेश में जा, हर एक जगह हर एक कम्युनिटी हर एक इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी इसको पूछता है। इसके ये रिवर हर एक जगह सैक्रेड या पवित्र या पुण्य माना जाता है। ये तिब्बतन बुद्धिस्ट लोग जितने सारे हैं ये बहुत सारा इनका रिचुअल है स्वांगपो के साथ जो करते हैं। तो आप अरुणाचल में आ गए तो उनका जिस जगह से बहती है ये दिहांग श्यांग होके वहाँ भी आदि जनजाति के लोग हैं। आदि जनजाति के लिए ये भी एक जो मातृतुल्य इस ब्रह्म सियांग इज एंड दिहांग इज लाइक मदर एंड उनका भी काफी सारी एग्रीकल्चरल रिचुअल्स है। जब भी वो खेती करने जाएगा या कभी को वो पहले उसका पूजा करता है ठीक है। उसके बाद आप असम में आ जाइए। असम में जब आएंगे तब काफी सारा हमारा जनजाति के लोग है। उसके बाद मैं तो नाम लूंगा हमारा मिसिंग लोगों का। मिसिंग लोगों का ये वैशिष्ट्य है कि दे आर ए हाईली वाटर एडेप्टेड कम्युनिटी। वो नदी का ही विशेषज्ञ कम्युनिटी है। वो नदी के आसपास ही रहता है, नदी के साथ सहावस्थान करता है, बाढ़ के साथ रहता है, नदी के साथ रहता है। फुल्ली रिवर ओरिएंटेड पीपल। उनका काफी रिचुअल्स है। उनका फोक सॉन्ग है ओइनितम, उसमें काफी नदियों का जिक्र है, स्पेशली सुवर्णसिरी नदी। लोकल वो लोग बोलते हैं ओबोनेरी, उसका जिक्र है। उसके बाद हमारा देवरी जनजाति है, उनका अपना नाम भी है ब्रह्मपुत्र के, और वो भी नदी किनारे रहते हैं, उसका भी रिचुअल्स है। और मेन स्ट्रीम जो बाकी सब असामीज कम्युनिटी है उनका भी काफी सारे रिचुअल्स है, काफी सारे रिचुअल्स है। अभी हाल है में ये आपको जान के शायद मुझे पता नहीं कैसा लगेगा आपको, इसका दो पहलू है। आप अगर इंटरनेट में जाएंगे या आप कभी देखे होंगे, जहां कहीं भी बहुत ज्यादा बाढ़ के प्रकोप हुआ या कटान का प्रकोप हुआ, और वहां अगर इफ दैट्स अ प्लेस वेयर असामीज पीपल लिव, दे विल विदाउट एनी एक्सेप्शन दे विल कम एंड ऑफर ए पूजा, नदी को पूजा करने लगते हैं, जो इन ए टिपिकल असामीज मैनर व्हिच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर नव वैष्णव जो हमारा ट्रेडिशन है शंकर देव का, उसी ट्रेडिशन में नामघर बोलते हैं हम, टेम्पल नहीं है, नामघर से लोग आते हैं पूजा ऑफर करते हैं, उसके पास तामूल पान चढ़ावा देता है, तामूल इज का नाता है, तामूल पान इज वेरी सेंट्रल टू द कल्चरल लाइफ ऑफ असम। जो भी सम्मानित लोग हैं उसके पास तो नदी को ऑफर करते हैं और चांटिंग करते कि हरिनाम करते हैं कि आप हमको काटिए मत, आप हमको बचा लीजिए, आप हमको बहा के मत ले जाइए। अभी आपने जो अभी वो जो फोक सॉन्ग अभी बताया वो है, मैं थोड़ा आसामी ट्यून में बताता हूँ उसको। जी जी, ब्रह्मपुत्र पारते ब्रह्मथुरी एजुपी आमी खुरी लुरा थाई उतुआई नीनी बा ब्रह्मपुत्र देवता तामुल दी मतुता। इसका माने है जो यह ब्रह्मथुरी एक टाइप का वेजिटेशन है, ट्री है, तो ब्रह्मपुत्र के किनारे ये वृक्ष के नीचे हम फायरवुड कलेक्ट करते हैं, हम फायरवुड कलेक्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अहम जगह है। हे ब्रह्मपुत्र देवता, उसको आप बहा के मत ले जाना। हम तामूल दे के आपको आपसे विनती करते हैं, इसको बहा के मत ले जाना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ द ये जो नदी ये पूरा का पूरा फोकलोर में, पूरा लोक कथा में, लोक गान में, लोक संगीत में पूरा का पूरा विलीन हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली असम में सोशल लाइफ का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां ब्रह्मपुत्र नदी या इसका कोई ना कोई दूसरा नदी का रेफरेंस नहीं हो, जिसका प्रभाव नहीं हो। बहुत सारा है। आपने भूपेन हजरिका का नाम लिया, तो भूपेन हजरिका
बहुत प्रसिद्ध है, सब सब कोई जानता है। और भूपेन हजारिका का बहुत बड़ा सेंटिमेंटल एक रिलेशन रहा ब्रह्मपुत्र के साथ। और भूपेन हजारिका का जो लिटरेरी वर्क है, जो गाने उन्होंने लिखा है, कंपोज किए हैं, जो कविताएं लिखे हैं और जितने सारे गान गाए हैं, उसमें ब्रह्मपुत्र का एक सेंट्रल पोजीशन है। तो आप अगर सुनेंगे तो बहुत ज्यादा गीतों में, वो कुछ गीतों में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कहता है, बाकी जगह में जो असामीज फोकलोर में है लुइट, बुढ़ा लुइट, तो दिस वर्ड बुढ़ा लुइट ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस। बुढ़ा मीन्स ओल्ड, लुइट मीन्स, सो ही यूज्ड टू एड्रेस दिस रिवर ओल्ड रिवर, ओ ओल्ड रिवर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर एक्सप्रेशन, तो उनका बहुत ज्यादा फेमस जो गाना है हिंदी में जो है, गंगा बहती होगी, तो वो तो ओरिजिनली असमीज में लिखा था, तो वो था बुढ़ा लुइट बुआ की ओर, विस्तीर्ण पारे असंख्य जनरे हाहाकार शुनी बुढ़ा लुइट बुआ की ओर, ओ ओल्ड रिवर व्हाई डू यू फ्लो, डोंट यू हियर द सफरिंग्स ऑफ millions of you know teeming people who are suffering, don't you hear their cries, but then you don't say anything, you silently flow, why? To nadi ko wo nadi ko ek taraf se wo hai na wo allegation nadi ke ek sentimental relation, kyun behti ho, kyun kuch nahi kar sakte ho, kyun kuch nahi kar sakte, to bade ज्ञान विहीन निरक्षर को, खाद्य विहीन लोगों को, उनके लिए तुम क्या कर रहे हो, नदी को पूछता है। तो ये एक जस्ट है। और एक है ज्योति प्रसाद अग्रवाल, वो सबसे बड़ा हमारे जो वेरी टैलेंटेड रिवोल्यूशनरी आर्टिस्ट है, हालांकि वो भूपेन हजारिका के गुरु थे, और वो जो फ्रीडम स्ट्रगल असम में हुआ था उससे पूरा का पूरा जुड़ा हुआ था, उसका भी बहुत सारा रिवोल्यूशनरी सॉन्ग में मोटिफ करके आ जाता है ब्रह्मपुत्र और रुई। उसका एक फेमस ये है, स्लोगन बन गया, गाना था एक्चुअली, लुइतर पारे आमी डेकालोरा मोरिबोलोय भय नाय। वो हिंदी में ऐसा होता है कि हम लोहित किनारे का युवा पीढ़ी, हम मरने से डरते नहीं, हम इन ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम आजादी छीन के लेंगे। वो है रिवोल्यूशनरी सॉन्ग, तो काफी पॉपुलर, कांग्रेस वॉलंटियर्स में काफी उस टाइम पॉपुलर बन गया था ऐसे। तो एक शंकर देव के जमाने से भूपेन हजारिका तक अभी तक ये पूरा लिगेसी है कि फोकलोर में, लिटरेचर में, सारे के सारे जनगोष्ठीय लैंग्वेज और संस्कृति में ये ब्रह्मपुत्र एक बहुत बहुत बड़ा मोटिव बन के रहा है। सारे सारे नदियां है। फिर अभी आपका सवाल में आता हूं, नदी का जो ये कल्चरल इम्पोर्टेंस है वो तो है अपनी जगह में, लेकिन नया पीढ़ी इसको समझ नहीं पाता, और कहीं ना कहीं नया पीढ़ी नदियों से डिस्कनेक्ट हो गया है, बिछड़ गया है, क्योंकि अब गांवों में भी जाएंगे तो गांवों में भी शहर जैसा माइंडसेट आ गया है। ऐसा नहीं कि गांव में डेवलप नहीं होना चाहिए, उसमें टीवी होना चाहिए, इंटरनेट, सब कुछ होना चाहिए। उस सब होने के बावजूद भी हमारे जो ट्रेडिशनल गुड वैल्यूज है, प्रकृति के साथ गांव के लोगों का जो एक एकदम सरल और स्पष्ट जो अम्बिलिकल जो लिंक है, वो हम दूसरी पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं। और नदियों के बारे में हमारा जो समझ और जो सोच और जो एटीट्यूड, नदी को पूजना, नदी को सम्मान करना, नदी से प्यार करना, तो लिटरेचर में भूपेन हजारिका का लिटरेचर में क्यों आया है? बिकॉज ही वॉज इन लव विद द रिवर। ज्योति प्रसाद वॉज इन लव विद द रिवर, वो प्यार करते थे नदियों से या नदी पार के लोगों से। तो एक जैसा हो जाता है, नदी, प्यार, लोग और उनका जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक जैसा हो गया। तो ये है क्या? अभी अभी पूछने का बात है, नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है। अभी
अभी 2 साल पहले चाइना में एक बड़ा सा यूनेस्को का कॉन्फ्रेंस था, यही था विषय, मुझे बोला गया था ब्रह्मपुत्र के बारे में बताओ। मैंने पूरा ब्रह्मपुत्र का महिमा व्याख्यान किया और उसके बाद ये किया, ये महिमा को समझने वाले लोग ही नहीं है। महिमा तो है, काफी सारे ऐसे इसका पहलू है जिसके बारे में रिसर्च भी नहीं हुआ है, लेकिन है, करने वाला भी नहीं है क्योंकि समझने वाला नहीं, क्योंकि नदी को सिर्फ एक ऑन वन हैंड अगर सरकार पॉलिसी मेकर डिसीजन मेकर नदी को सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक रिसोर्स समझ के रह जाएगा, उसका कल्चरल जो गरिमा है उसको नहीं समझेगा, जब तक प्लांट मैनेजमेंट या रिवर मैनेजमेंट में ये कल्चरल एस्पेक्ट्स को नहीं लिया जाएगा तब तक तो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जी। तो बहुत ज्यादा चीज अभी भी है, हम उसको अभी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको लागू करते हैं, उस हेरिटेज को हम जिंदा रख सकते हैं, बट उसके लिए लेकिन बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने आप कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो ये ग्लोबलाइजेशन, ये वेरी रैपिड अर्बनाइजेशन, वो कमोडिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग, ये जीवन के प्रति, प्रकृति के प्रति, नदी के प्रति एक एक एकदम अलग सा एक फिलॉसफी जो है हम देखने लगे हैं, वही अगर चलने लगा, अगर फंडामेंटल जो वैल्यूज है हमारा जो था बहुत ज्यादा अभी भी है उसको हम फिर से रिजुविनेट नहीं कर पाया, तो ये एटीट्यूड बहुत ही बदल जाएगा। अगर एटीट्यूड बदल गया, सोच बदल गया, तो हम भविष्य के लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकेंगे कि नदी के लिए कुछ करें, या बार को सच्ची तरह से समझने और बाढ़ के जो मैनेजमेंट वो सही तरीके से करें, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो ये बहुत अहम मुद्दा है इस विषय में। सर बहुत लंबी बातचीत हो गई, तो हमें दर्शकों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत देर से धैर्य बना के सुन रहे होंगे। और I'm sorry, तो मैं आपसे कहा था कि छोटा कीजिए, कि मैं ही लंबा खींच गया। नहीं हो नहीं सकते, नदी भी तो बहुत लंबी है। तो नदी का कथा भी बहुत लंबा है। जी जी, अब नीरज जी को, नीरज जी के पास चलते हैं। और बहुत बहुत बढ़िया आपकी बातचीत रही, और बहुत विस्तार से आपने इतनी विस्तृत नदी के बारे में जानकारी दी है। वैसे तो ये इतना बहुत बड़ा टॉपिक है, एक एक दो घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने बहुत विस्तार से, और हमारे दर्शकों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी ये बातें, बहुत सारी नई बातें भी उन्हें पता चली कि इसको पुल्लिंग के तौर पे भी इसको बुलाया जाता है, बाकी सारी नदियां स्त्रीलिंग कहलाती हैं, अब ब्रह्मपुत्र जो है वो ब्रह्मा का पुत्र के हिसाब से वो पुल्लिंग कहलाया जाता है। तो हमारे एक दर्शक इसमें थे, बिजनौर के ही हैं, वो बहुत अच्छे कवि, बाल साहित्यकार भी हैं, गजलकार भी हैं, तो उन्होंने इसके आपके लाइव चलते चलते ही बहुत सारे दोहे और नदी के ऊपर उन्होंने इसमें लिख के दिया है, तो मैं 2-4 आपको सुनाती हूँ। जमी नदी में सिल्ट भी, जमी नदी में सिल्ट भी बदल रही है राह, पर इस खतरे की हमें तनिक नहीं परवाह। क्या बात है, ओह बहुत अच्छा। ब्रह्मपुत्र करती रही तट का रोज कटान, माजुली से द्वीप का करती है निर्माण। सही, एक समय वो भी रहा था सब में उत्साह, नदियां ही व्यापार की बनी हुई थी राह। और कुछ नदी के ऊपर उन्होंने लिखा है, बोलती गर पीर भी कहती नदी, सोचिए क्या क्या रही सहती नदी, बस मदद को हर तरफ तकती रही, सोचिए क्या क्या रही सहती नदी। नहीं रही जब आपसे एक नदिया को आस, भरी जवानी में नदी ले बैठी संन्यास। कितनी बड़ी बात, बातें। अच्छा जगह का नाम क्या है? बिजनौर है, और डॉक्टर अजय जन्मेजय जी हैं वो, और वो पेडियाट्रिशियन भी है और बाल साहित्यकार भी हैं। बाल साहित्य में बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, गजल भी लिखी हैं, कविताएं खूब लिखते हैं, और ये नदी के ऊपर ही पूरी पुस्तक है। क्या बात है, क्या बात है, नदी के ही सारे उसमें, हाँ जितने भी कविताएं सब नदी के ऊपर। मिश्रा जी आप अगर उनके कविताएं
उसको अगर परिचित करवा दे, अगर उसका फोन नंबर और ईमेल जो भी है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी उसने लिखा है अगर भेज दे। अच्छा, मुझे ख्याल आया है, जैसे मुझे अभी लगा कि अभी थोड़ा स्पिरिचुअल एक भावना आ गया मेरे जहन में। जैसे जैसे कबीर के दोहे होते हैं ना, ये सब तो हम नदी के दोहे कह सकते हैं। हाँ, उन्होंने नदी के ऊपर ही पूरी किताब लिखी हुई है। हाँ, उनको लिखना चाहिए। हाँ, लिखना चाहिए, हम उसको नदी के दोहे बोलेंगे। हाँ, कबीर के दोहे, क्योंकि हम लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं ना, तो नदी की उन भावनाओं से बहुत जुड़े हुए हैं, आत्मीय रूप से जुड़े हुए। ये जैसे लिखा है वो आम आदमी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। हम जितना भी नंबर भेजेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, हमको बहुत अच्छा लगेगा। और एक उन्होंने शिकायत भी नदी की तरफ से लिखी है, जब नहीं सीमा कभी लांगी नदी, जब नदी ने अपनी कभी सीमा नहीं लांगी है, पूछता हूँ क्यों गई बांधी नदी। जब उसने अपनी सीमा नहीं लांगी तो क्यों बांधा गया। मैं आपको उनका नंबर भी दूंगी, आप उनसे बात भी कीजिएगा और उनसे कहूंगी आपको अपनी, वो वैसे भी आपको किताब जरूर भेजेंगे अपनी। जरूर जरूर, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि जो भी दर्शक, अगर थोड़ा लंबा खींच गया फिर भी धीरज से जिन्होंने सुना है, जी, मुझे उम्मीद है उसको थोड़ा तो अगर नया कुछ तथ्य मिल गया, इंफॉर्मेशन या मिल गया, तो मुझे बहुत आनंद होगा। और फिर आप दोनों को बहुत धन्यवाद। ये मुझे 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 बहुत मजा आया। मुझे बहुत बोलने में मजा आया, क्योंकि अक्सर यह होता है कि बहुत इंटरप्शन होता है, लोग पूछते हैं, मॉडरेटर पूछते हैं, ये पूछते हैं, छोटा करो बड़ा करो, ये करो, रुक जाओ, बहुत ज्यादा बोलिए, ऐसा बहुत होता है। आज बिना कोई रोक टोक के मैंने एकदम जो भी था बता दिया। बहुत अच्छा लगा, अगर इसका रिकॉर्डिंग हो तो भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग भी होगी, ये तो रिकॉर्ड तो ऑटोमेटिकली होता है और वनिका के पेज पे तो हमेशा रहेगा, सेव्ड रहेगा, और मैं अपने पास भी डाउनलोड करके सारी रिकॉर्डिंग्स रखती हूँ, क्योंकि फेसबुक का पता नहीं है कभी हटा दें वो कुछ कर दें, तो मैं अपने पास भी रखती हूँ। तो दर्शकों से अगर कोई सवाल आज नहीं तो कल भी आ गया तो मुझे बता दीजिए कि मैं थोड़ा ईमेल करके आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, तो भविष्य भविष्य में भी आपसे जुड़े रहने का जी 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 बहुत बिल्कुल बिल्कुल जरूर जरूर जी जरूर और किसी टॉपिक के साथ फिर आते हैं किसी दिन। और ये सबसे बड़ा चैलेंज था, मैंने सोचा था एकदम शुरू में मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं, हिंदी में बोल नहीं सकता, बहुत गलती होगा, आप लोग माफ कीजिएगा, वो मैं बोल नहीं पाया, भूल गया, अभी भी बोलता हूँ कि जो भी भूल चूक हुआ है। बहुत अच्छी हिंदी बोली आपने, नहीं नहीं वो काका की हो जाता है, सब जगह कुछ ना कुछ दोस्त रहता है। हमारे यहाँ एक कहावत है सर, हमारे यहाँ एक लोग कहते हैं कि बहते बहते नदी और गाते गाते गला साफ हो जाता है, तो आप एकदम सही बताए, हिंदी बोलते बोलते इतनी अच्छी हिंदी बोलना है, ठीक है, उसमें काटती से क्या करना, एक्सप्रेशन है, लैंग्वेज तो एक्सप्रेशन है हमारा। और आपने जो नदी को, अगर मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते और नदी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं देते तो क्या फायदा था? नदी के बारे में जानकारी हमारा मुख्य है, तो आपने बहुत अच्छा बताया। Topic was your knowledge on Brahmaputra. बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा कॉन्शियस था हिंदी के बारे में, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया तब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल सोच नहीं रहा था लैंग्वेज के, जो भी निकले मुंह से निकलने दो, उसके बाद देखा जाए, क्योंकि मैं तो मेरा इरादा सही है। बिल्कुल, लेकिन ये मेरे जीवन में पहली दफा है कि इतनी लंबी समय तक और इतनी देर तक मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बोला है। मेरा कुछ तजुर्बा है, से मैं बांग्लादेश में एकदम लंबा सौरा भाषण दिया हूँ बांग्ला में, वो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है और बांग्ला आता भी है मुझे, हिंदी उससे कम आता था, कि आज थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप देखिए हमारे दर्शक भी कह रहे हैं, दर्शक भी कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोले और सार्थक बोले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ओर से, वनिका पब्लिकेशंस की ओर से, और हमारे दर्शकों की ओर से भी।
बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत धैर्य बनाए रखा और आपकी बातें पूरी रुचि के साथ में सुनी। तो फिर कभी किसी और विषय के साथ आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप लोगों को धन्यवाद और मेरी तरफ से धन्यवाद दीजिए सारे दर्शकों को। जी जरूर, फिर मुलाकात, धन्यवाद जी, नमस्ते।